हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। अगर आप भी इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या मेरी तैयारी सिर्फ 50-60% ही हुई है, तो हम बोर्ड एग्जाम में 90% या अच्छे परसेंटेज को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि अभी भी मेरे पास समय है, जो टाइम है उसमें हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वैसे आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है और एक महामैराथन क्लास है, बहुत ही लंबी ये क्लास होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका पेपर कैसा आएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, और किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 3 से 3.5 से 3 घंटे की जो भी ये क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और इस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो इस बार आप 95% लेकर आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो सोचते हैं कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, उन्हें लगता है कैसे हम पास होंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी, इंग्लिश 12th का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट के पेपर को हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपके पेपर इस बार 2024 में आएंगे, तो इन पेपर को सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम देने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है जो भी पेपर मैं आपको बताऊंगा सब यूनिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के पेपर को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, पूरा पेपर जो 100 नंबर का आता है। ठीक है, इंग्लिश का जो 100 नंबर का पेपर आता है उसको समझेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 70-70 नंबर का आता है, फिर इसके पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। यहां पर सारी चीजें आपको दी गई हैं, अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, नाम 2024 हिंदी, ठीक है, यहां पे पेपर कोड ऐसे दिया जाएगा साइड में, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी जीवन परिचय कहानी है, खंड काव्य है, वो इस बार 2024 में आएंगे, आप लिख कर ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। देखिए, निर्देश आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो खंड का आपका, देखिए आपका जो हिंदी का पेपर है 2 खंड में डिवाइड होता है, एक खंड का एक खंड खा, खंड का आपका 50 नंबर का और खंड खा भी 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो खंड का में जो सबसे पहले होगा वो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, मतलब खंड का में पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये 50 नंबर में आएंगे। खंड खा में आपका संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध ये आएगा। ठीक है, तो चलिए खंड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का, हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? फर्स्ट है भारत दुर्दशा, सेकंड है नहुष, थर्ड है ना आने वाला कल, और फोर्थ है चंद्रगुप्त। तो देखिए नहुष जो है ये हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी कि सबसे पहला नाटक यही है। पहले हिंदी गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। खा देखिए ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? फर्स्ट है एकांकी, सेकंड है जीवनी, थर्ड है नाटक, फोर्थ है उपन्यास। तो ये भी आपका एक नाटक ही है, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही फेमस नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, गा देखिए इंदुमती है,
इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, कोई नहीं। ये एक प्रथम कहानी है। इंदुमती को प्रथम कहानी कहा जाता है, फर्स्ट स्टोरी, ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य का। घा देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो स्मार्ट तरीके से आप लोग बताइए। जो क्वेश्चन आपको आता है, मैं घा वाला पढ़ रहा हूं, आपको अंगा का आंसर बता देना, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीजिए। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत जो सरयू पार की यात्रा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये पेपर पूरा प्रिपेयर करके जाना आगे आगे, अभी मैं सारा पेपर आपको समझाने वाला हूं, पूरे 100 नंबर का पेपर, इसको ध्यान से देख लेना। अंगा नंबर, गुनाहों का देवता किसकी कृति है बताइए? गुनाहों का देवता ये हमारे धर्मवीर भारती जी की कृति है। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का काका गगा अंगा। पांच क्वेश्चन एक नंबर के, पांच नंबर का हिंदी गद्य साहित्य का क्वेश्चन रहेगा, यहां पे दो लिखा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे का देखूं, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? ये हिंदी पद्य साहित्य का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है वो फर्स्ट है वल्लभाचार्य को, सेकंड है शंकराचार्य को, थर्ड है रामानुजाचार्य को, फोर्थ है निम्बार्काचार्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रामानुजाचार्य जी को। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य जी को जाता है, मतलब भक्ति आंदोलन का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। खा देखिए, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी जल्दी बताइए। फर्स्ट है गिरजा कुमार माथुर ने, सेकंड है केदारनाथ सिंह ने, थर्ड है अज्ञेय ने, फोर्थ है धर्मवीर भारती ने। तो अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, प्रयोगवाद को नई कविता, ठीक है। तो ये खा वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है भैया, मैं बोलता रहता हूं, अभी तो ट्रेलर है भैया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस ध्यान से देखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम तक, ठीक है। गा देखिए, चिंतामणि कवि है, चिंतामणि जो है वो किस वर्ग के कवि हैं? जैसे इसमें भी वर्ग होते हैं, फर्स्ट है रीत सिद्ध वर्ग के, सेकंड है रीत मुक्त वर्ग के, थर्ड है रीत रहित वर्ग के, फोर्थ है रीत बद्ध वर्ग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रीत बद्ध वर्ग के। चिंतामणि जी जो है ये रीत बद्ध वर्ग के कवि है। घा देखो, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? देखिए कवि तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले कवि कौन है, ठीक है। फर्स्ट है गोरखनाथ, सेकंड है चंद्रवरदाई, थर्ड है जगनिक, फोर्थ है सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये नाम है आदिकाल का है, तो इसीलिए थोड़ा दूसरी तरीके। अंगा नंबर, मुकरिया रचना है, मुकरिया किसकी रचना है? फर्स्ट है मधुकर कवि की, सेकंड है कुशल राम की, थर्ड है अमीर खुसरो की, फोर्थ है भट्ट केदार की। तो ये अमीर खुसरो जी की रचना है मुकरिया, ठीक है। तो ये आपके पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हो गए, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि हिंदी का गद्यांश होगा, ठीक है। देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर देना है। ये भैया 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, आपको करना क्या होता है, इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर इसके नीचे पांच क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा भी लगा होता है, दूसरा दिया रहता है, बहुत इजी है, इसीलिए मैं कहता रहता हूं हिंदी इज वेरी इजी, मतलब 12th में आगे जाएंगे तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हाई लेवल्स में। तो देखिए, इसको पढ़िए और पहचानिए। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्युपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म। किस चैप्टर का है? भूमि की बात की गई, राष्ट्र की बात की गई, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो राष्ट्र का स्वरूप है ये उसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही रहेगा, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। देखिए,
लेखक और पाठ दोनों का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिख देना है, अगर केवल लेखक का नाम पूछा जाता है तो आपको डायरेक्टली वासुदेव शरण अग्रवाल लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेखक और कवि दोनों आते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा संदर्भ, लिखकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से उत्तरित है, जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रभूमि के प्रति सचेत के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसी में सब कुछ दिया गया है, देखो उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, लिख दीजिए वही। तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी सच्चे, ये देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, यही लाइन लिख दीजिए, काम खत्म। दो दो नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है, दो नंबर। उसके बाद ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखो लिखा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस यही लाइन लिख देना। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलेगा गद्यांश में, लेकिन अगर आप पहचान गए कि किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और पहचानना आना चाहिए। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब रेखांकित अंश इसके नीचे रहते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी, शायद इसमें नहीं दिया है, लेकिन ऐसे इसके नीचे ऐसे रेखाएं रहेंगी उसका आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो अथवा लगा है और ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसके नीचे देखिए आपको पांच क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। पांच क्वेश्चन ऐसे आपका रहेगा, फर्स्ट उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब आपको संदर्भ लिखना है ये किस पाठ से और इसके लेखक कौन है, ठीक है। दूसरा है, पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है, इसका आंसर इसी में मिलेगा। और तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्त बदलने की बात कर रहा है, पढ़ोगे मिल जाएगा। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये देखिए जिसके नीचे रेखाएं हैं, ठीक है, यहां से लेकर देखिए जिसके नीचे लाइनिंग दिख रही है, इतने का आपको व्याख्या करना होगा, अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप किताब से ही याद करके जाएंगे वही लिख देंगे, देखो आपको अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है, क्योंकि आप खुद में एक राइटर हैं, समझ लीजिए, ठीक। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ऊपर वाले में भी आपका रेखांकित अंश रहेगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, अब आता है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। देखो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वा हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लाना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त तो भूतांगना को। तो ऐसे आपका ये एक पद्यांश रहेगा, इसमें देखिए क्या है, किस चैप्टर से और इसके लेखक कौन है। देखिए ये भी 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसके लेखक कौन है, क्योंकि यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। देखिए ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिख देना है। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा जी कहती हैं, देखिए इसका हिंदी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राधा जी कहती हैं कि अगर कोई किसान की स्त्री आपको दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा थकी हुई होगी, तो उसको चारों ओर से घेर लेना, क्योंकि वो पवन से बात कर रही है, पवन का मतलब वायु, ठीक है। तो उसको घेर लेना और उसकी थकावट को मिटा देना, ठीक है। और इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, इस पद्यांश में कवि ने जो है पवन दूतिका, ठीक है, राधा जी और पवन के बीच जो बातें हो रही है उसका वर्णन किया है। चौथा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। पांचवा, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, इसका आपको मीनिंग लिखना होगा। अभी देखिए हम और भी बहुत सारी चीजें आगे बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हमारा खंड का ही यहां पे चल रहा है, ठीक है, खंड खा पे अब हम लोग चलते हैं। देखिए अभी हमारा अथवा लगा हुआ है इसी में, देखिए अभी खंड का में ही हम लोग हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब अगर आपको वो वाला पद्यांश नहीं पता तो आप इसको कर दीजिए, पहचानते हैं जो आपको वही सॉल्व करना। जैसे, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य साफ हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए किस चैप्टर का, यहाँ पे राम जी, भरत और जो कैकेयी जी हैं उनके बारे में बात किया गया। तो ये हमारा जो कैकेयी का अनुताप चैप्टर है ये उसी से लिया गया है, और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस पद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए,
पाठ का नाम क्या है और कवि कौन है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, पांच क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 10 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो है ये जीवन परिचय है, जो आपका साहित्यिक परिचय आता है, ठीक है। अभी हम हिंदी व्याकरण में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे। देखिए 5 का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, शब्द सीमा 80। मतलब आपको लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय दिया जाता है, 5-5 नंबर का, अधिकतम शब्द आपका 80 रहना चाहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी का भी, किसी एक का जिसका आपको पता हो, उनका साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बताया और कैसे लिखते हैं एग्जाम में वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे मेरी दृष्टि से, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यही तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो इस बार आने वाले हैं। खा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, जैसे आपको लेखक का लिखना है वैसे कवि भी 80 शब्दों में 5-5 नंबर के दोनों रहेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सुमित्रानंदन पंत। तीनों कवियों में से जिसका आपको पता है उसका आप लोग लिख दीजिएगा, मतलब तीनों में से जिसका पता होगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का पता है उनका लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का पता है उनका लिख दीजिए, जो आपको अच्छे से आता है उसको लिखना है, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया और शायद ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, महादेवी वर्मा जी का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में कहानी पे आते हैं भैया। देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, मतलब ध्रुव यात्रा या पंचलाइट दोनों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखो। अगर दोनों नहीं पता है तो भी देखिए अथवा लगा है, बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि बहादुर कहानी का सारांश। शब्द सीमा 80 रहेगा, 5 नंबर का ये भी आता है एग्जाम में। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि इसमें तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिखें, तीनों में से जो भी आपको पता आप लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी फिक्स होता है, आप सिर्फ पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, 5 नंबर क्लियर। सातवां देखिए, अब खंड काव्य पे आते हैं। ये देखिए जो यूपी में जो अलग अलग जिले हैं उनको लगभग अलग अलग होता है, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया है, कुछ जिलों को अलग, ठीक है, मतलब ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। आपके जिले में कौन सा है और आप किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80। देखो किसी में मुक्ति यज्ञ होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोक ब्रिज। जैसे हम जहां से हैं वो त्यागपति है, तो देखो इसमें ऑप्शन रहेंगे। त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। त्यागपति की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, दोनों में से जो भी आपको पता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे खंड का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 5 नंबर का था। टोटल 50 नंबर के हमने टॉपिक पढ़ लिए, खंड का हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो खंड का में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कहानी, मतलब 10 से 15 नंबर इसमें एकदम पे फिक्स होता है, ठीक है। अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा में जो सबसे पहले होता है वो संस्कृत का गद्यांश होता है। देखो जैसे 8वां क्वेश्चन है, का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जैसे अतीते प्रथमे कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परपूर्णम पुरुषम राजानुकूर, ठीक है। किस चैप्टर से बताइए, ये जातक कथा से लिया गया है। अगर आपको पता है तो इसका संदर्भ लिख दो कि ये किस पाठ से है। इसमें आपको संदर्भ में केवल पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक नहीं होते, ठीक है, पता है कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। देखो बौद्ध युग इमे सिद्धांत वयस्क जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन परमज्ञ इमे सिद्धांत राष्ट्राराम, ठीक है, परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से, ये आपके पंचशील सिद्धांत चैप्टर से है। दोनों में से जो भी आपको आता है उसको लिख दीजिए। मैंने आपको बताया 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4 चैप्टर, एक आपका संस्कृत भाषा या महत्व, एक पंचशील सिद्धांत, एक महामाना मालवीय और एक जातक कथा। ये 4 चैप्टर पढ़ के चले गए भैया, 7 नंबर आपका कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो काफी ज्यादा स्कोप है इसमें, ठीक है। ऐसे खा देखिए,
इसका नंबर एकदम से फिक्स होता है मेरे अकॉर्डिंग। ये है संस्कृत का पद्यांश या श्लोक जिसको बोलते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम अथवा लगा है परोच्छेकार हंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जिता दृशा मित्र विष्कुंभम पयोमुखम। दोनों में से जो आपको बताया आप कर सकते हो। देखिए दोनों के दोनों आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं, तो आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया ये 7 नंबर क्लियर। और एक दो चैप्टर में एक एक आपका श्लोक है उसको पढ़ लीजिएगा, भैया कोई काट ही नहीं सकता, ये भी फिक्स होता है, एकदम फिक्स ये नंबर होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पे। देखो हिंदी व्याकरण को ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखो फर्स्ट, एक म्यान में दो तलवार, इसका मतलब क्या होता है, एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा, एक म्यान में दो तलवार। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब स्वयं काम ना आने पर दूसरों पर दोष लगाना, आपको नाचना नहीं आता दूसरों पर दोष लगा रहे हैं भाई, डीजे वाला अच्छा नहीं है। तीसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है सशंकित होना। ठीक है, चौथा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराध करके निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। तो चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दो भैया, नंबर फिक्स है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ये नया टॉपिक है, आप में पहले मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, दोनों को हटा के आप पठित गद्यांश कर दिया गया। 5 नंबर का देखो, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये भी बहुत ईजी है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ईजी है। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी, वो सदा दूसरों को हंसाते थे, वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के सुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी हंसी कम हो जाती है, युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनाने लगता है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को, लोगों को बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं, मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। इसके नीचे क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर आपको मिलेगा। जैसे सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, ठीक है, तो सुल्तान जो है वो हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास रखते थे, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो नन्हे शिशु की जो मुस्कान होती है, देखिए यहाँ पे दिया गया, ये नन्हे शिशु की जो हंसी है वो निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लिख दो। तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है, अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे धीरे धीरे तनाव बढ़ जाएगा, तो ये 5 नंबर आपको दिलाएगा, नहीं पता तो अथवा लगा है। अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक है, ऐसे आपको दिया जाएगा। एक दूसरा आपठित गद्यांश, उसको सॉल्व कर दो भैया, 5 नंबर। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, देखो 3 क्वेश्चन गद्यांश के अनुशासन को क्या माना गया, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आप पठित गद्यांश, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब 11 नंबर पे चलते हैं भैया, ये शब्द युग्म है। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है अंश, अंश इसका सही अर्थ क्या होगा, सही युग्म, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। देखिए अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कंधा और हिस्सा। ठीक है, यानी कि कंधा भाग आप बोल सकते हैं, हिस्सा या भाग बोलिए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा खा। दूसरा देखिए तरणी, तरणी इसका सही आंसर क्या होगा, एक एक नंबर की आते हैं, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, तरण तरण, इस तरण का मतलब होता है सूर्य, और इस तरणी का मतलब होता है नाव, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे खा हमारा है 2 नंबर का, ये भी रहेगा। ये अनेकार्थी शब्द है। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब चारों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, इसको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे देखो अली, अली को हम किन किन नामों से जानते हैं, अली को हम भौरा भी बोलते हैं, सखी भी बोलते हैं, बिच्छू, 3 मैंने बता दिया आपको, 2 ही लिखना है। ठीक है, और एक ही का लिखना है, मैं चारों का बता रहा हूं। ठीक है, तो अली का आप भौरा, सखी, बिच्छू, नाग का आप हाथी, सर्प लिख सकते हैं, अंक का आप गोद, संख्या के अंक, नाटक का एक भाग, और चौथा गुरु को आप लिख सकते हैं, अध्यापक बड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया चारों, एक ही आपको करना होगा। गा देखिए,
इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट है घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य हो, हेट के योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घृणित। ठीक है, जो घृणा के योग्य होगा उसको घृणित बोलेंगे। दूसरा है जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे, जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको जीता नहीं जा सकता वो अजेय है भैया। घा देखिए वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चारों में से किन्हीं दो वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना। जैसे फर्स्ट देखिए, मैंने रो दिया, ये इसमें गलती क्या है, मैंने रो दिया इसमें गलती है, मैं रो पड़ा, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा परमात्मा के अनेकों नाम है, इसमें गलती क्या है, सिर्फ अनेक में गलती है, अनेकों नहीं अनेक होता है। ठीक है, ऐसे लिख देना। तीसरा, मैं भोजन लाया हूं, इसको आपको लिख देना है मैं भोजन कर लिया हूं या मैं भोजन कर चुका हूं। चौथा, 100 रुपया प्राप्त हुआ, नहीं नहीं 100 रुपये प्राप्त हुए, इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, ऐसे 100 रुपये प्राप्त हुए, प्राप्त हुए कहाँ, पेटीएम फोन पे पे। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपका हो गया। अब देखिए रस छंद अलंकार पे आते हैं। 12 का करुण रस अथवा शांत रस का स्थाई भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए भैया। मैंने आपको रस, और दूसरा देखिए खा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। दो दो नंबर का रहेगा, दो नंबर का है, दो नंबर का ये। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, दो नंबर का है। 6 नंबर का ये रहता है भैया, और ये 6 नंबर एक ही वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, उसको देख लोगे ये 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बच्चे आलस करते हैं, अगर आप लोग उस क्लास को देख लेते हैं आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 20 से 22 मिनट में। तो फर्ज करो यूट्यूब पे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उसमें जितने भी रस हैं, जितने छंद है, जितने अलंकार हैं, सबको मैंने बता रखा है। 13 नंबर, किसी स्कूल, पत्र लेखन पे आते हैं, 6 नंबर का आता है भैया। किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर आप पत्र को लिख सकते हैं, यह 6 नंबर का आता है। नेक्स्ट निबंध, जो सबसे ज्यादा नंबर का है। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, सबसे ज्यादा नंबर का नहीं है क्योंकि गद्यांश वद्यांश है भैया। देखिए फर्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है, सेकंड है लोकतंत्र और समाचार पत्र, थर्ड है भ्रष्टाचार महान अभिशाप, फोर्थ है मेरा प्रिय कवि, फिफ्थ है कंप्यूटर। 5ों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का ये आता है। ये आपका खंड खा था 50 नंबर का। तो पूरा पेपर मैंने आपको समझाया क्लास 12 हिंदी का, ज्यादातर मैंने सॉल्यूशन भी दिया, यानी कि हिंदी खंड का और खंड खा दो पार्ट में डिवाइड होता है, खंड खा 50 और खंड का खा दोनों 50 नंबर के, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ये एक वायरल पेपर है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, कौन कौन से जीवन पर्चे इंपॉर्टेंट थे, कौन सी कहानी, खंड काव्य, उसके बाद में संस्कृत गद्यांश पद्यांश, 35-40 नंबर तो मैंने वैसे ही कंप्लीट करा दिया। देखिए क्लास 12 इंग्लिश 2024 ऐसे पेपर कोड आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे 316 AB है, ऐसे पेपर कोड रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा भैया, टाइम 3 घंटे 15 मिनट का है, और मैक्सिमम मार्क 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। देखिए फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर पहले जरूर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पेपर मिलता है, कॉपी मिलता है, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इससे आपका माइंड जो है, जिस क्वेश्चन का आंसर कम पता होगा या फिर आपने पहले पढ़ लिया होगा, पढ़ चुके हैं, उसको ढूंढने में लग जाएगा और बहुत आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा 15 नंबर का, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन सी आपका ग्रामर होगा 25 नंबर का, और सेक्शन डी लिटरेचर होगा 40 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तीसरा, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और चौथा है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया है।
तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए होगा रीडिंग। भाई मैं पूरा हिंदी मीनिंग के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और कैसे आपको ढूंढ ढूंढ कर इस पैसेज में से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि आपका 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15 नंबर क्लियर हो सके। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पेपर बताते हुए सब चले जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो पैसेज दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इस पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे इसको करेंगे, और इंग्लिश में पास होने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है पहले, अगर आपने अच्छे से तैयारी पूरे साल नहीं की है तो आप लोग सर्च कीजिए 12th इंग्लिश में कैसे पास हो शुभम लेक्चरर, या 12th इंग्लिश में पास होने का ट्रिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन क्यों ट्रिक लगाए, हम पढ़ लें, अभी भी हमारे पास समय है, हम पढ़कर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, सिर्फ पास होना हमारा टारगेट नहीं है, हमें तो टॉपर बनना है। देखो, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज, यानी कि सम पीपल, कुछ लोग थिंक सोचते हैं दैट कि द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य इज मियरली, ठीक है, वो केवल टू गिव नॉलेज यानी कि ज्ञान देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, पहले इसको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, दीज पीपल वांट्स, और पूरे ग्रामर सेक्शन का भी मैं आंसर बताऊंगा, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, दीज पीपल, ये लोग वांट, चाहते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, टू रीड बुक्स, यानी कि किताबें पढ़ें, एंड और डू नथिंग एल्स, कुछ ना करें, बट एड टू देयर नॉलेज, और जो है अपने ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ और ना करें बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है, आगे देखिए, अदर बिलीव्स दैट, और दूसरों का मानना है दैट कि नॉलेज, ज्ञान एलोन इज नॉट इनफ, ज्ञान एलोन, ये अकेला इज है, नॉट इनफ, काफी नहीं। तो दूसरों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, ओनली दैट, ठीक है, केवल वही, विच इनेबल्स, जो प्रदान करती है ए मैन, एक आदमी को, टू अर्न, यानी कि कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी जीविका, कैन बी कॉल्ड, वो कहलाती है एजुकेशन, शिक्षा। तो कुछ लोगों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल वही शिक्षा कहलाती है जो मनुष्य को जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है, मतलब आपके पास बहुत शिक्षा है लेकिन आप सही लाइन नहीं पकड़ पाए, आपको आपकी जॉब नहीं लगी, वो शिक्षा बेकार है, ये रियलिटी है, क्योंकि शिक्षा का यूज करेंगे, उसके द्वारा अर्निंग करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है सभी पूछेंगे भाई तू कैसा है, ठीक है, वरना कुछ नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती है, शिक्षा को यूज करके आप जब किसी लायक बन जाएंगे तभी आपको शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि मैं बताता रहता हूं, ये दुनिया जो है सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है, आप कहेंगे मुझे बहुत ज्ञान है, नहीं मानेगी, जिस दिन आपका जॉब लग जाएगा, यार लड़का बहुत तेज था, ठीक है, तो पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आगे देखिए, सच पीपल, ठीक है, ऐसे लोग थिंक, सोचते हैं दैट कि ब्रेड, रोटी, इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन एनी थिंग एल्स, किसी से भी। तो ऐसे लोग जो है सोचते हैं कि रोटी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्टिल, फिर भी, अदर बिलीव्स, कुछ अन्य लोग विश्वास करते हैं दैट कि एजुकेशन, शिक्षा, शुड एम, उसका जो उद्देश्य है सोलिटली केवल एट मेकिंग गुड सिटीजन, एट कमल मेकिंग का मतलब बनना, गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक, अच्छे नागरिक, ठीक है, एंड और गुड पैट्रियट्स, अच्छे देशभक्त बनना। फिर भी अन्य लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, और ये लोग सभी शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से केवल एक ही उद्देश्य देखते हैं, कुछ और है। देखो, अब मैं ऐसे पढ़ाते हुए जाऊंगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि वास्तव में एजुकेशन, शिक्षा, शुड एम, उसका उद्देश्य, एट थ्री थिंग्स, तीन चीजें टुगेदर, एक साथ, मतलब वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, यानी कि इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एंड और एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। मतलब शिक्षा का तीन उद्देश्य होना चाहिए, मतलब इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु, यानी कि शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए हु जो व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, यानी कि जो अपनी आजादी को पसंद कर, अपनी आजादी तो पसंद करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स,
यानी कि टेक अवे, वो छीन लेते हैं द फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों की आजादी। तो जो कहा गया है कि शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए जो अपनी आजादी तो पसंद करते हैं लेकिन दूसरों की आजादी को छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस मैन, यानी कि इसे ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए हु जो लव दियर ओन कंट्री, अपने देश से प्यार करें, बट लेकिन हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन वो दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो इनका मतलब है कि इसे ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए शिक्षा को जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरों देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके इसी क्वेश्चन में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पैसेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा और कहां मिलेगा देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है यहां पे मिल जाएगा। देखिए यहां से आप लिख दीजिए, इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसका उद्देश्य पुरुषों को ज्ञान देना होना चाहिए, मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। ठीक है, और भी आगे बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा। जो लोग कहते हैं इंग्लिश में अनसीन पैसेज टफ है, वो कुछ नहीं पढ़ते समझ लीजिए, क्योंकि टफ कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट टू, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको पता होगा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट व्हाई। यानी कि रोटी जो है वो किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्या आप सहमत हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए यहां पे दिया गया, अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, ओनली दैट व्हाइल इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन कॉल्ड एजुकेशन। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, स्टिल अदर पीपल दैट एजुकेशन, यहां से लेकर आप लोग अगर लिख देंगे यहां तक आपको नंबर मिल जाएगा। बस ऐसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही जाकर छापें, आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यही पैसेज किसी दूसरे बुक में दिया जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। तो भाई एक रूप नहीं होते, जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं वैसे आप अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग भी लिख सकते हैं। सी देखिए, ऐसे तीन तीन नंबर हमारा कवर हो रहा है, कि क्वेश्चन तीन तीन नंबर का है। देखो, व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, यानी कि शिक्षा द्वारा किस प्रकार के मनुष्य पैदा किए जाने चाहिए। तो देखिए यहां पर सब कुछ दिया गया है, ये देखो यहां, इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव दियर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, यानी कि शिक्षा से ऐसे लोगों का जन्म होना चाहिए, ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरों देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस यही लिख दीजिए, काम खत्म। अगर हिंदी निकाल ले गए सब हो जाएगा। डी, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्सन, यहां से यहां तक जो अंडरलाइन है इसका आप लोग एक्सप्लेन कर दो अपनी भाषा में, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ठीक है, मतलब हु लव दियर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वॉन्ट टू हार्म अदर कंट्री, यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश से प्यार करते हो लेकिन दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो अपनी भाषा में इसको लिख देना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, ई देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब इंडिपेंडेंस है, मतलब सिनोनिम्स। तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है आप ही लोग बताइए, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो भैया इसमें फ्रीडम है, देखो ये फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, तो डायरेक्टली फ्रीडम लिख दो। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन एम, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मेन मीनिंग जो है वो एम है, सिनोनिम्स। एम का मतलब होता है उद्देश्य, तो पर्पस होगा कहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो पर्पस होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी तो था, देखो यहां पर आप लोग ऐसे ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पर्पस, ये देखिए पर्पस, ठीक है पर्पसेस, तो ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड बिलीव, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, मतलब बिलीव का आप लोग नाउन एज अ नाउन इसको लिखिए। तो देखिए बिलीव को हम लिख सकते हैं बिलीफ, ठीक है बिलीव को हम लोग बिलीफ लिखते हैं, ठीक ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर आपने 10-12 मिनट तो सिर्फ अनसीन पैसेज बताया, देखिए इससे 15 नंबर क्लियर होगा और 15 नंबर हमारा 3% बढ़ाता है।
तो टाइम मत देखिए, किस तरह से हमें समझ में आना चाहिए उसको देखिए, ठीक है। टाइम तो ऐसे ही बीत जाएगा और 3 घंटे 15 मिनट में आपको खुद को प्रूफ करना होता है। आप कितने भी तेज हैं, महाज्ञानी हैं, लेकिन अगर उन 3 घंटे 15 मिनट में नहीं लिख पाए तो बेकार है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट, सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज आएगा 15 नंबर का। सेक्शन बी में देखो भैया, इसमें आर्टिकल आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 वर्ड में। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगाएंगे, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, सारे नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है, देर मत कीजिए। तो देखिए ए क्या है, 3 टॉपिक हैं ए बी सी, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे देखो द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है इस पर आप आर्टिकल लिखिए अगर जानते हैं तो, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, मतलब पैराग्राफ वाइज लिखे आर्टिकल या हेडिंग वाइज लिखे तभी आपका आर्टिकल सही माना जाएगा। बी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व क्या है, बहुत सारी नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, बहुत सारी नदी है। सी प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माँ का स्थान, भाई समाज में नहीं हमारे दिल में भी माँ का स्थान बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है जो आपको आता है। फिर उसके बाद में लेटर पर आते हैं, ये 10 नंबर का आएगा, देखो साइड में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। लेटर, लेटर हमें 2 दिए जाएंगे, एक ही करना होगा। देखो राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, यानी कि अपने एक छोटे भाई को पत्र लिखिए एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करते हुए टू हिम उसको द इंपॉर्टेंस, महत्व आप मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर का एंड बैलेंस और संतुलन डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए डाइट का, मतलब अपने छोटे भाई को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर और संतुलित आहार का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए, पता है तो करिए नहीं तो और लगा है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकैलिटी, यानी कि अपने क्षेत्र में बार बार लंबे समय से विद्युत आपूर्ति जो बिजली होती है, ठीक है, वो बार बार कटने पर आपको जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है। देखिए कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगा, कुछ भी सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा। लेटर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे दे वो उसके ऊपर है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ना तो उसको आप रोक सकते हैं, आपका बस चलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन बी, 10-10-20 नंबर का आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आएंगे अपने सेक्शन सी पर और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा भाई, क्योंकि सॉल्यूशन ग्रामर में जानना बेहद जरूरी है। सेक्शन सी ग्रामर है, ये टोटल 25 नंबर का आता है, ठीक है। देखो इसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे चौथा क्वेश्चन चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ये पर्सन वो व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता इन द एग्जिस्टेंस अस्तित्व के ऑफ गॉड, भगवान की। तो एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपके ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर मिलेगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम सिनोनिम सिंटैक्स ये रहेंगे, ठीक है। देखो तो कौन है वो, फर्स्ट है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी। सेकेंड है अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। थर्ड है एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और फोर्थ है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। तो भैया एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, हिंदी में आपने पढ़ा होगा वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम नास्तिक बोलते हैं। वही इंग्लिश में ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट्स द एथिस्ट, ठीक, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। द फ्रेज होल्ड गुड मींस, होल्ड गुड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मींस ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेज होल्ड गुड्स। फर्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। सेकंड है थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। थर्ड है इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। और फोर्थ है होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशावान। तो इफेक्टिव होता है, होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव, ठीक है, समझ में आया, इसका ये मीन होता है। सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या नियति। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। अभी हम जो चूज करेंगे उसका भी मीनिंग वही होगा
जो डेस्टिनी का है, भाग्य, ठीक है। फर्स्ट है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार। सेकंड है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य होता है। थर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय। फोर्थ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। तो भैया फॉर्च्यून होगा, डेस्टिनी का मतलब भाग्य या नियति, और फॉर्च्यून का मतलब भी होता है भाग्य या नियति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी, नो सूनर हैड ही कम हियर, ठीक है, हिज फादर टॉक्ड टू हिम, व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम, ठीक है, वो यहां आया ही था कि उसके पिता ने उससे बात की। No sooner had he come here when his father talked to him. Which word in this sentence is an error? इस सेंटेंस में कहां गलती है ये बताइए, कहां गलती है इसमें? ये आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर कहीं आपके सेंटेंस में गलतियां हैं उसको सही करके लिखो, बस इतना सा, ठीक है। फर्स्ट है टू, सेकंड है व्हेन, थर्ड है हैड, फोर्थ है हियर। भैया व्हेन में गलती है क्योंकि नो सूनर के साथ हम व्हेन नहीं लगाते, व्हेन के जगह पर हम लोग यूज करेंगे देन, ऐसे लिखा जाता है, देख लो THEN, इस देन को हम लिखते हैं व्हेन के प्लेस पे, ठीक है। तो व्हेन में गलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ई वाला, द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज, पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए। फर्स्ट है ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। सेकंड है कवर्ड, कवर्ड का मतलब डरपोक। थर्ड है ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। जैसे पैट्रियट का मतलब देशभक्त, वैसे ट्रेटर का मतलब गद्दार, ठीक है। फोर्थ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो भैया इसका ट्रेटर होगा, और ट्रेटर क्यों होगा? क्योंकि ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार, और पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो एक दूसरे के एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो देखो पैट्रियट का मतलब देशभक्त और ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, एक दूसरे के एंटोनिम्स ही तो होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ पे भी आपका कंप्लीट, लेकिन अभी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंटोनिम्स, ये सब पढ़ना है। तो देखो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले 5 का A है, 5 का A, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर का आएगा। जैसे देखो फर्स्ट है, सी सैड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आइए हम कुछ संगीत बजाएं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, देखो ध्यान से समझिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखो सी सैड टू अस, यहां बताइए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपरेटिव है तो इंपरेटिव के अकॉर्डिंग हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे सी, अब यहां पे आपका है उसने हमसे कहा आइए कुछ संगीत बजाएं, यानी कि वो सजेस्ट कर रही है, ठीक है। तो सी के साथ हम सजेस्टेड लिख देंगे, अगर रिक्वेस्ट करती तो रिक्वेस्टेड लिखते, अगर ऑर्डर देती तो ऑर्डर लिखते, तो भैया सजेस्ट करिए तो सजेस्टेड लिख दिया। अस को हम असी रहने देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट, ठीक है। अब यहां पे बी सुड या दे सुड का यूज करते हैं, भाई अस है तो हम बी सुड का यूज कर देंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इंपरेटिव में कंजक्शन दैट कहां से आ गया? देखो अगर लेट अस से आपका स्टार्ट हो रहा है तो हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बी सुड हैव ऐसे ही रहेगा, हैव सम म्यूजिक, सम म्यूजिक, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो याद रखिएगा अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन डैट का यूज करते हैं और बी सुड या दे सुड का यूज करते हैं। दूसरा, अब दूसरा वाला तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग ये लॉन्ग भी है और ये वाला आपको समझना पड़ेगा। देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट देखकर डर गए होंगे, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। देखो फादर सेड टू हिज सन एंग्रली, यानी कि पिताजी ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया, लीव द रूम एट वंस, जल्दी कमरे से, तुरंत कमरे से बाहर जाओ या कमरे को छोड़ दो, एंड डोंट कम हियर अगैन, और दोबारा यहां मत आना, मतलब आना बाद में आना, ठीक है, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तो ये यहां पे आपको क्या करना है, 2-2 सेंटेंस दिए गए। सबसे पहला व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसी में दिया गया लीव द रूम एट वंस,
यानी कि वो उनको जो है डांट रहे समझ लीजिए। तो यहां पे आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी दिया गया है, तो इसको कैसे करोगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम फादर साहब को लिखेंगे, फादर तो है ही, ठीक है, अब फादर है, ठीक है। फादर जी ने गुस्से में आके बोला लीव द रूम एट वंस, यानी कि वो डांट रहे हैं, तो हम इसके साथ स्कोल्डेड लगा देंगे, फादर स्कोल्डेड, ठीक है। हिम, हिम लिख दीजिए या हिज सन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिम एंग्रिली, एंग्रिली, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको ये इंट्रोगेटिव वाला बनाना है, एंड एंड देखिए इंट्रोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं सेट टू के स्थान पर, आस्क्ड, तो यहां पे आस्क्ड लिख देंगे, एंड आस्क्ड। और डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। यहां पे कौन सा टेंस है, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया है, ये हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो व्हाई यू बदलेगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है हिज सन, इसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, ठीक है, तो ही लिखेंगे। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। डिस्टर्ब को हम डिस्टर्ब ही लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा फादर से, फादर के लिए हम हिम का यूज कर देंगे, किसका, हिम का यूज कर देंगे, ठीक है। इन आपका ऐसे ही रहेगा, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये फादर से बदलेगा अपने की अंग्रेजी, इसके लिए हिम हिज का यूज कर देंगे, फादर के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो हिज स्लीप, ठीक है, स्लीप, इतना बन गया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आगे भी है, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप लिखिएगा, वैसे इतना बड़ा आता नहीं है, ध्यान रखिएगा, दो आएगा आप एक कर दीजिए, बड़ा वाला करने की क्या जरूरत है, बड़ा वाला आता भी नहीं है, कभी कभी दे दिया जाता है, तो जाने रहिए, ठीक है। तो ही, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो ही इंस्ट्रक्टेड, ही इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। हिम, हिम, अब टू लगाकर आपको इसको जोड़ देना है क्योंकि ये इंपरेटिव है, टू लीव द रूम, थोड़ा सा बड़ा है इसको ध्यान दीजिएगा, रूम, ठीक है। इमीडिएटली आप लिख सकते हैं एट वंस के जगह पर, या एट वंस भी लिख सकते हैं, एट वंस, एंड डू नॉट, एंड Not to लिख सकते हैं, ठीक है, या नेबर भी यूज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि गुस्से में कभी मत आना यहाँ पे, ठीक है। तो नेबर कम बैक अगेन, या नॉट टू कम, नॉट टू लिख देंगे, एंड नॉट टू, नॉट टू कम, कम बैक अगेन भी लिख सकते हैं क्योंकि वापस आना है, ठीक है, बैक अगेन, या कम दियर अगेन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। आप लोग कहेंगे सर चार चार लाइन में इतना बड़ा कैसे आ सकता है, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे वो दे देता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारा सिंथेसिस है। देखिए बी वाला हमारा क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दो नंबर का आएगा, ये आपका सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे देखो क्या है, ध्यान से समझिएगा और बहुत ही सीक्रेट बात है। फर्स्ट है माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ये शेप, यानी कि माई मदर, मेरी माता जी कीप्स रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स, अपने आभूषण इन ये सेफ, एक तिजोरी में। तो मेरी माता जी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, ठीक है, वैसे रखती होंगी क्योंकि भाई बहुत कीमती चीज है, ठीक है। दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, ठीक है। इनटू ए कॉम्प्लेक्स, आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो ब्रेकेट में दिया गया है वही आपको बनाना भी है। तो इसको कैसे बनाओगे कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसे आप लोग लिखिएगा थोड़ा अच्छे से, पहले इसको लिखिए, दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है इन व्हिच, जिसमें, इन व्हिच, अब आपको लिखना है माई मदर, इन व्हिच बीच में लगा देंगे, ठीक है, तब आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, माई मदर कीप्स, कीप्स हर ऑर्नामेंट, हर ऑर्ना
मेंट्स। देखिए मीनिंग नहीं बदलना चाहिए भैया, और मीनिंग यहां पे बदला भी नहीं। देखिए ऊपर क्या था, माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ये शेप, मेरी माता जी अपनी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द शेप, ये वही तिजोरी है। नीचे मैंने क्या बनाया, इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। देखो दिस इज द शेप, ये वही तिजोरी है, इन व्हिच जिसमें माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, मेरी माता जी अपनी आभूषण को रखती हैं, अपने गहने को रखती हैं जिसको बोला जाता है। तो ये वही तिजोरी है जिसमें मेरी माँ अपने गहने को रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं इसी में, सिंथेसिस में नंबर टू। देखो दूसरा है, ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे। ये वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत हट्टा कट्टा या बहुत स्वस्थ आदमी केम टू मी, मेरे पास आया यस्टरडे, कल। तो एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी कल मेरे पास आया, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको भी कॉम्प्लेक्स में ही बदलना है, ठीक है। इसको कैसे बदलोगे, तो देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे ए वेरी हेल्दी मैन, ठीक है, हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। यानी कि ए वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत ही अट्टा कट्टा आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास कल आया, वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो इसका मतलब होगा एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो कल मेरे पास आया वो अंधा था। दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, भैया को अंधा भी कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी वाला। देखो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है इसमें। इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो जैसे ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपका दो नंबर का रहेगा, मतलब आपको ब्रेकेट के अनुसार इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखो फर्स्ट है, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाई द प्रिंसिपल। यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाई द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ने उन्हें विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। अब ये पैसिव वॉइस है, इसको बदलना है एक्टिव वॉइस में। कैसे बदलोगे, तो लिखेंगे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, देखो जो बाई लगाकर लिखा गया है ये सब्जेक्ट होता है, तो पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अब पहचानो भैया, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो आपका ये है वाज लगा है, ये कौन सा टेंस होगा जिसका पैसिव वॉइस में वाज होता है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, देखिए अपॉइंटेड सेकेंड फॉर्म भी होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म लेते हैं, तो अपॉइंटेड, ठीक है। अब ही है आपका सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या था, हिम था, तभी तो ही आपका सब्जेक्ट आया, तो हिम एज साइंस टीचर ऐसे लिख देंगे, एज साइंस टीचर, ठीक है। तो इस तरह से था आपका एक्टिव वॉइस, तब उसको पैसिव वॉइस में बनाया गया था, ये एक्टिव हो जाएगा, और इसमें भैया ये पास्ट पर इनडेफिनिट टेंस था, तभी इसको वाज यहां पे लगाया गया था। दूसरा देखो, दूसरे को भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। दूसरा है, सी इज टू फैट टू रन। सी इज टू फैट टू रन, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है, ठीक है भाई, मोटे हो जाएंगे तो दौड़ने में तो प्रॉब्लम होगी। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि रिमूव टू को हटाओ, या फिर इनटू निगेटिव सेंटेंस भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए हम टू को हटा रहे हैं, दोनों तरीके से दिया जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे, सी इज सो फैट, वो इतनी मोटी है दैट की सी कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती। तो वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। देखिए कैन नॉट लग गया, यानी कि निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां पे रिमूव टू होता तब भी हम इसको इसी प्रकार से ही बनाते, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका सिंटैक्स। देखो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दोनों में से किसी एक को सही कीजिए, दो नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग लिखेंगे डी का फर्स्ट, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे ये सिंटैक्स है। देखो यहां पे क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग।
यानी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं राजा होता, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा हूं, ठीक है, ये राजा था। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग, इसमें गलती किया। देखो यहां पे आई के साथ बियर लगेगा क्योंकि किंग ऐसा माना जा रहा है, मानो मैं राजा होता, ठीक है, एज इफ आई वियर, तो यहां पे लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वियर ये किंग, तो लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वियर ए किंग, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया आपका, फर्स्ट वाला सही हो गया। दूसरे को अब हम लोग देखेंगे। दूसरा देखो भैया क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यहां पे क्या गलती है, तो यहां पे सिर्फ टू के जगह पर ऑफ लगा देना है, मतलब इसका मतलब है भारत को क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने का पूरा भरोसा है कि हम हराएंगे, ठीक है, बाप बाप होता है, ऐसा सुना होगा आपने डायलॉग, ठीक है, तो इसको इसमें सिर्फ टू के जगह पर ऑफ लगा देंगे, तो लिखेंगे इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो ऐसे लिख दीजिए इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ऑफ लगा देंगे, बस काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा होमोफोन्स होगा। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, दो नंबर का। जैसे देखो कैनवास, इस कैनवास का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस कैनवास का मतलब होता है ओट, ठीक है, और इस कैनवास का मतलब होता है कंपनी होती है, ठीक है, वो होता है, दोनों को सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। वैसे मैं बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं ऐसे बता देता हूं, ऐसे लिख दीजिएगा कैनवास ये वाला, ठीक है, और इधर लिख दीजिएगा कैनवास, ठीक है, ये वाला। अब आपको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो। तो देखिए ऐसे लिखेंगे कैनवासिंग इज इसेंशियल फॉर विनिंग द इलेक्शन। देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं द इलेक्शन, ऐसे यूज कर देना ताकि जो ये आपका कैनवास है वो इसमें यूज हो जाए। यानी कि वोट मांगना, इलेक्शन जीतने के लिए वोट मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ में आया, यानी कि चुनाव जीतने के लिए वोट मांगना जरूरी है। ये कैनवास क्या है, इसका भी यूज कर दीजिए, मैं नीचे लिख देता हूं, जैसे लिख दीजिए आई ऑलवेज, ये कंपनी है, ठीक है, आई ऑलवेज, ठीक है, यूज कैनवास सूज, ये सूज की एक कंपनी है, सूज फॉर वॉकिंग, ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस में यूज कर देना है ताकि जो दोनों भाई जुड़वा दिख रहे थे वो थोड़ा डिफरेंस हो सके कि एक एस है, एक एस इसमें कम है और मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो इस कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, कैनवासिंग इज एसेंशियल फॉर विनिंग द इलेक्शन, यानी कि चुनाव जीतने के लिए वोट मांगना जरूरी है, और इस कैनवास एक कंपनी है जूते की, आई ऑलवेज यूज कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, मैं हमेशा चलने के लिए कैनवास जूते का यूज करता हूं। ऐसे दूसरा हमारा है, देखो दूसरा है कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है जिसके लिए आप पढ़ाई कर दें, कैरियर बनाने के लिए, ठीक है, तो इस कैरियर का मतलब होता है करियर, ठीक है, जैसे लिख दीजिए आप कोई भी सेंटेंस, मैं बोल रहा हूं टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, यानी कि टॉम का करियर बहुत प्रभावशाली नहीं है, और इस कैरियर का मतलब होता है जो वाहन होते हैं ना, ढोया जाता है उसको, ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है ढोना। तो द ऑनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर वाहक होता है इस कैरियर का मतलब, द ऑनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन ये लॉन्ग स्ट्राइक, यानी कि निजी वाहक कंपनियों के मालिक लंबी हड़ताल पर है, जैसे इस समय ड्राइवर साहब है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होमोफोन्स, ठीक।
अब इसी में आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भाई, ये आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो मैं अभी तो नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ और ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर भी एक वीडियो लाऊंगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर आता है, इसमें देखिए लिटरेचर 40 नंबर का होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होता है, 40% आपके पेपर का। इसमें प्रोज के 15 नंबर, पोएट्री के 10 नंबर और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर, टोटल 40 नंबर। देखो 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड ईच, 8 नंबर का रहेगा, मतलब ये आपके प्रोज से क्वेश्चन रहेगा, किससे, प्रोज से। सबसे पहले दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए ए है, ए का फर्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, आपको 40 वर्ड में देना, इसका आंसर 4-4 नंबर का रहेगा, मतलब कहा जा रहा है जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, नहीं पता तो और लगा है। व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, ये हो गया लॉस्ट स्प्रिंग का ये है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। ऐसे बी वाला देखो, फर्स्ट है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, यानी कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उसने वहां क्या पाया और भविष्य की कार्रवाई के लिए उसने क्या योजना बनाई, नहीं पता तो और लगा है। व्हाट थॉट बियर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी व्हाइल रिटर्निंग टुवर्ड होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस, व्हाट डिड सी फील ऑन द वे, यानी कि जो सोफी जी हैं, ठीक है, सभा स्थल से घर की ओर लौटते समय सोफी के मन में क्या विचार घूम रहे थे, रास्ते में उसे क्या महसूस हुआ, ये आप कर सकते हैं। तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, मतलब रहेंगे तो 4 आपको करना, 2 ही होगा। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा 7 नंबर का, तभी तो 8 और 7 मिलकर 15 नंबर होंगे, ठीक है, दो शॉर्ट एक लॉन्ग। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, दोनों में से ए और बी में से किसी एक का आंसर दीजिए 80 शब्दों में। देखो जैसे ए है, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड अदर्स, यानी कि भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा कैसे जीती गई, गांधी जी एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए, नहीं पता तो बी है, दोनों में से एक करना है। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो डगलस हैं कौन सी बाधा डगलस के साथ लंबे समय तक रही। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ, और इसे जीवन से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये आपका 7 नंबर का लॉन्ग रहेगा, दोनों में से एक करना होगा। 8 और 7 मिलकर 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से आएंगे। पोएट्री से आपका एक स्टैंजा रहेगा 6 नंबर का, और एक सेंट्रल आइडिया जो फेमस है भैया वो रहेगा। देखिए स्टैंजा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहां से यहां तक आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे 1, 2, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर आपको एक एक के लिए मिलेगा, 2, 2, 2, ठीक है, 6 नंबर का ये आपका रहेगा। तो ये आप लोग एक्सट्रैक्ट को तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम लोग। 10 नंबर देखिए, इसी पोएट्री में 4 नंबर का हमारा सेंट्रल आइडिया भी रहेगा। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तीनों में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, और बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के पेपर के लिए यही 3 सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तीनों सेंट्रल आइडिया को मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों एक वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 4 = 8 कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का देखिए, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड, ये भी सप्लीमेंट्री से रहेगा और ये प्रोज की तरह ही रहेगा, मतलब इसमें भी 2 शॉर्ट एक लॉन्ग, 15 नंबर का ये भी आता है। देखो ए है, हु वाज द बिजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, यानी कि बिजार्ड कौन था ये आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जादूगर कौन था, उनकी भूमिका कहानी में क्या थी, पता है तो कीजिए, नहीं तो और लगा है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कि द टाइगर किंग जो स्टोरी है इसमें ज्योतिषी की क्या भूमिका है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा जी आपकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी, पता है तो कीजिए। बी देखिए, हु वाज द पेल फेस वुमन, व्हाट वाज शी डूइंग, यानी कि पीले चेहरे वाली वो जो औरत थी वो कौन थी, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीले चेहरे वाली महिला कौन थी, वो क्या कर रही थी, नहीं पता तो नीचे देखिए। व्हाई वाज द स्मॉल बेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन, यानी कि छोटी घंटी क्यों फंसी थी और फिर उन्होंने क्या किया। तो दो, इन ए में 2 ऑप्शन रहेंगे दोनों में से एक, बी में भी दोनों में से एक, 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। 12 नंबर ये लॉन्ग रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का रहेगा, ठीक है।
जैसे ए देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी कि चार्ली जो है थर्ड लेवल के बारे में आपको कहना है, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज 1894। ठीक है, तो ये आपका चार्ली के अनुसार तीसरे जो थर्ड लेवल है उसका वर्णन करें। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, कि व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने वो 1894 में थे, उन्होंने क्या किया। ठीक है, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, और वो टिकट क्यों खरीदना चाहते थे, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो बी है। देखो, व्हाट वाज ओ ऑफ द महाराजा, यानी कि महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, इसका मतलब होगा कि उन्होंने इसे पूरा कैसे किया, हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसे पूरा कैसे किया एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने किन किन खतरों का सामना किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और यहीं पर हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो फिनिश होता है। हमने बताया कि इंग्लिश का पेपर चार सेक्शन में होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी और प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रहेगा अनसीन सॉरी रीडिंग सेक्शन 15 नंबर सेक्शन, बी आपका रहेगा राइटिंग 20 नंबर सेक्शन, सी ग्रामर 25 नंबर सेक्शन, डी आपका लिटरेचर 40 नंबर, और टोटल मिलाया जाए तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर आएगा। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसा पेपर आएगा, किस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स नोट आपके पास पहले नोट दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, फिर निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना है। और दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, आपके फिजिक्स में 5 खंड होगा, आ बा सा दा या। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 1 नंबर का, खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का, खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, फिर खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर वाला, और खंड या में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर का, और प्रयुक्त में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी बताने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहले खंड आ रहेगा, जो कि आपका फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, का जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है लिख दीजिएगा, सर इसका फर्स्ट से ही, इसका सेकंड से, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोगों के लिए ही होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, इनमें से कौन सा मात्रक है जो विद्युत फ्लक्स का है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है बोल्ट प्रति मीटर, थर्ड है बोल्ट इंटू मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको गॉस के प्रमेय में वैसे भी बताया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका एक मात्रक आपका बोल्ट इनटू मीटर भी होता है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो बोल्ट इनटू मीटर है। न्यूटन प्रति कूलाम तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में खा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर, देखिए ये बी वेक्टर है चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये वी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर वी से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था लॉरेंज बल एफ इक्वल टू क्यू वी वी, क्या बताया था मैंने, एफ इक्वल टू क्यू वी वी होता है। ठीक है, अब चाहे आप क्यू वी वी लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए वेक्टर के रूप में, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल जो वेक्टर एफ होगा वो क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होगा। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि यदि ई वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है, किसकी अनुदिश होती है, तो वो होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट होगा। घा वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देखो,
फोर डायप्टर और माइनस टू डायप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए। क्या है इसमें एक फॉर्मूला आपको लगाना है, मैं बता रहा हूं भी। देखो आपको दो लेंस दिए गए हैं, दोनों लेंस की क्षमता दी गई है चार डायप्टर, एक का माइनस दो डायप्टर। तो एक को मान लेते हैं पी वन, एक को मान लेते हैं पी टू, ठीक है। पी वन की वैल्यू है फोर डायप्टर, तो फोर लिख देंगे, ठीक है, फोर डायप्टर। पी टू की वैल्यू है माइनस टू डायप्टर, माइनस टू डायप्टर लिख देंगे। आपको ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी होगी। पी इक्वल टू होगा पी वन प्लस पी टू, ये फॉर्मूला होता है संयुक्त लेंस की क्षमता का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये होगी आपका, अभी हम फोकस दूरी निकालेंगे बहुत ईजिली। अब देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं, पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा P1 की वैल्यू है 4, P2 की वैल्यू है माइनस टू, इसको ब्रेकेट में अभी लिखेंगे क्योंकि अभी प्लस माइनस माइनस होगा। तो P इक्वल टू हमारा हो गया कितना, 4 में से 2 जाएगा, 4 और प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब फाइनली हमारा P जो आया वो दो डायोप्टर आया, टू डायोप्टर, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है भैया, देखिए ऑब्जेक्टिव भले ही है लेकिन थोड़ा विस्तार से मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो अब आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, निकाल लीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता हमने निकाल ली, फोकस क्षमता का एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू होता है 1/f, या आप 100/f भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/f लिखेंगे तो f आपको मीटर में लेना होगा, अब ये सेंटीमीटर में है, 100/f ये सेंटीमीटर में अब हुआ, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक, यहाँ पे फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, p तो हमें पता है, हमें f निकालना, तो f को p के जगह पर ले आएंगे और p को f के जगह पर ले आएंगे, तो 100/p हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 100/p की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2, तो कट कर दीजिए, 50 आया कि नहीं आया, हमें सेंटीमीटर में निकालना था इसीलिए मैंने 100/p रखा था। तो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यही होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आया, चार ऑप्शन भी आपको इसमें भी दिए रहेंगे, दो वहां पर दिए हैं, दो आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना, अभी पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसे ऐसे पेपर्स ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर इस बार मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे अंगा नंबर क्वेश्चन, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। चार, देखिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है, मतलब अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आपको शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाना चाहिए, तो एल्यूमिनियम मिलाते हैं। अगर हमें शुद्ध पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाएंगे, बन जाएगा भैया। ये 6 क्वेश्चन हो चुके, एक एक नंबर के 6 नंबर हमारा कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भाई, जो कि है खंड बा, ये भी एक एक नंबर का होगा, कुछ खास आपको नहीं लिखना होता, ठीक है। देखो दूसरे का कहा है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक एक नंबर का ये भी रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। तो देखिए आपको विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है, कैसे लिखोगे, सिंपल सा है। देखो हमने परिभाषा भी लिख रखी है लेकिन आपको परिभाषा नहीं लिखना है, इतना तब लिखना जब ये 2 नंबर में आएगा। देखो किसी चालक विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, मैंने कई बार बताया इसलिए मैं डायरेक्टली बोलते चला जा रहा हूं। आपको सिर्फ फॉर्मूला और मात्रक लिखना, तो ऐसे लिख दीजिए सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स, या इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है। कैसे निकालेंगे आप इसको, क्योंकि रो इक्वल टू आर ए अपान एल होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है इसका फॉर्मूला होता है आर ए अपान एल, तो रो का मात्रक आया ओम मीटर,
हमने आर प्रतिरोध का मात्रक रखा, क्षेत्रफल का मात्रक रखा और लंबाई का मात्रक रखा, तो हमारा ओम मीटर आया। अब भैया रो का मात्रक ओम मीटर आया, अब चूंकि इसका व्युत्क्रम होता है हमारा विशिष्ट चालकता, तो ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आएगा, बस हो गया। या मोहो मीटर इनवर्स, भाई मैंने लिख रखा था क्योंकि अभी पूरा पेपर हमें देखना है, अभी तो हमने एक स्टेप सीढ़ी चढ़ी, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, अभी असली उड़ान बाकी है। खा देखिए, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। भैया एक नंबर का है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दीजिए, व्यंजक लिखिए, देखो ऐसे लिख दो, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो एफ अपान एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपान टू पाई इंटू आई वन इंटू आई टू अपान आर न्यूटन प्रति मीटर। ये होता है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। एफ अपान एल क्या है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, एफ है बल, एल है लंबाई, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई वन आई टू है धाराएं, दो समांतर धारावाही चालक है दोनों में धारा बह रही है, एक में आई वन एक में आई टू, आर है दोनों चालकों के बीच की दूरी, बस हो गया। इतने में इतना ही मिलेगा भाई, जितना इजी क्वेश्चन उतना आपको उतना ही लिखना होगा, फालतू की चीजें नहीं लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गा वाला क्वेश्चन एक नंबर का, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। देखो जो जो दिया गया है हम उसको लिखेंगे, 10 ओम प्रतिरोध दिया गया है, आर हमें दिया गया है भैया 10 ओम, ऐसे लिख दो 10 ओम, ठीक है। उसके बाद में हमें प्रेरकत्व एल दिया गया है कितना, 10 हेनरी लिख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में हमें दिया गया है, देखिए 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, ई हमें दिया गया है विद्युत वाहक बल, इसको भी लिख देंगे 50 वोल्ट लिख दिया। कुंडली में संचित ऊर्जा आपको निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है भैया यू निकालना है, कैसे निकालोगे यू, निकालने के लिए पहले हम धारा निकाल लेते हैं, कुंडली में धारा आई, आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू वी अपान आर, आपने सुना होगा बी इक्वल टू आई आर के नियम से, लेकिन यहाँ पे ई अपान आर होगा, ठीक है, वी वो आपका विद्युत विभव होता था, विद्युत वाहक बल है, इसकी सहायता से पहले हम I को फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इक्वल टू हमारा आया, E की वैल्यू ऊपर देखिए 50 है, R की वैल्यू 10 है, भैया 0 से 0 कैंसिल, I इक्वल टू हमारा आया 5 एम्पियर, I इक्वल टू आया 5 एम्पियर, ये धारा हमारी आ गई। ये धारा मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको अगर स्थिति आपको ऊर्जा निकालनी है तो धारा पता होना चाहिए। अब हम लोग ऊर्जा निकाल लेंगे, जो हमें U निकालना था इसका एक फॉर्मूला होता है उसी को अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। अब अगर आई ना हमें मिला होता तो हम कैसे यू निकाल पाते, यही चीज है, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे, देखो एल हमें पता है 10, आई हमने 5 निकाला है, रख दो यहां पे, यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 एल है आपका 10, आई है आई स्क्वायर है तो 5, आई की वैल्यू 5 है तो 5×5 लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर का मतलब दो बार लिख दें, 5 को इससे 10 को 2 से कट करेंगे 5 आएगा, तो हमारा आया क्या यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे आया 5 जो कट हुआ वो, और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, और टोटल गुणा करेंगे तो आपका जो यू आएगा, जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 125 जूल, यानी कि 125 जूल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई यही निकालना था, एक एक नंबर के लिए इतना मेहनत आपको करना पड़ रहा है, सोच लो फिजिक्स है क्या, ठीक है, बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, भाई लिख दीजिए ऐसे एक नंबर में, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण हेडिंग डाल के, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। बस एक लाइन का है, एक लाइन में लिख दीजिए, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंगा नंबर, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम है ना, तो टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ आपको बताएंगे। देखो पहले हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 है, तो कक्ष की त्रिज्या यानी कि कक्ष की संख्या कितनी है, n इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या है तो n इक्वल टू 1 के लिए, देखिए आपको त्रिज्या दी गई है, कितना दिया गया त्रिज्या, जो r होती है वो दी गई है कितना 0.53
एंगस्ट्रॉम ये दिया गया है, मतलब क्या कहा गया था, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो ये कक्ष की संख्या है, ये प्रथम है तो यानी कि एक रख देंगे वैल्यू, आर त्रिज्या आपको दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। लेकिन तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो एक काम करो, पहले इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है त्रिज्या आर इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर, के इंटू एन स्क्वायर, जहां के है नियतांक, एन है आपका कक्ष की संख्या, तो प्रथम कक्ष था तो हमने हमें एक रख देना है, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा के, कि आपका ऐसे रहेगा इंटू एन की जगह पर एक रखेंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली हमारा कितना आएगा आर, ये एक ही आएगा, एक का स्क्वायर के आएगा, ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, के का एक से गुणा हो तो ये आ गया। ये तो प्रथम कक्ष के लिए है, लेकिन हमें क्या करना है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, तो एन इक्वल टू थ्री रखेंगे, एन इक्वल टू थ्री के लिए हम ज्ञात करेंगे, एन इक्वल टू थ्री के लिए, इसके लिए भी त्रिज्या जो हमारी है, देखिए त्रिज्या को आर थ्री मान लेंगे यहाँ पे, तो त्रिज्या जो हमारी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम ही है, इसको ऐसे लिख देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है, बट फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, आर थ्री इक्वल टू हमारा होगा के इंटू एन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ऊपर लगाया था, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम तृतीय कक्ष की त्रिज्या आर थ्री को निकाल लेंगे। देखो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहां पे, के किसके बराबर है, यहां पे देखिए प्रथम कक्ष में के जो है वो आर के बराबर है, तो के आके के जगह पर हम आर रख देंगे, इंटू एन स्क्वायर है, तो देखिए एन इक्वल टू थ्री के लिए निकाल रहे हैं तो एन के जगह पर थ्री रख देंगे, थ्री का स्क्वायर, ठीक है, अब यहां से हमारा आर थ्री आ जाएगा, आर थ्री इक्वल टू क्या होगा, देखिए आर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ऊपर आर की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इस आर के जगह पर 0.53 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, ये तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ ही आएगा ना, थ्री थ्री इज द नाइन, सुना होगा आपने, सुना नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आर थ्री इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, यही तृतीय कक्ष की त्रिज्या आ जाएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य एक एंगस्ट्रॉम हो, तो इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा एक फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लैम्डा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 12.27 अपान अंडर रूट वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको रखकर ज्ञात कर लेना है, यानी कि लैम्डा आपको दिया गया एक एंगस्ट्रॉम रख दीजिएगा, अंडर रूट वी को इधर ले जाएंगे भाई, ठीक है, देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, अंडर रूट वी को इधर ले जाएंगे तो हमारा 12.27 अपान लैम्डा हो जाएगा, और जब अंडर रूट को हटाएंगे इधर से, सिर्फ वी करेंगे, अंडर रूट को हटा दिया तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 12.27 अपान लैम्डा इसका होल स्क्वायर कर देंगे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्क्वायर करके आंसर ले आना है, ठीक है, हो गया काम, अब आते हैं अपने नेक्स्ट खंड पे, खंड शाह पे दो दो नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का काच 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, 6 ओम का एक मोटा तार है, देखो आर का लिख दीजिएगा ऐसे, आर इक्वल टू कितना है 6 ओम है, 6 ओम, ठीक है, इस मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि एन की वैल्यू, एन है आप कितना गुना कर रहे हैं, ठीक है, एन आपको 2 है, दोगुनी का मतलब 2, ठीक है, तार का नया प्रतिरोध आपको निकालना है, नए प्रतिरोध को हम आर डैश मान लेते हैं, तो आपको नया प्रतिरोध अगर आर डैश निकालना तो एक फॉर्मूला लगाना होगा, आपको पुराना प्रतिरोध आर लेना है और इसका जितना गुना आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर देना, जैसे एन का स्क्वायर, ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, ये न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा, सिंपल सा 2 नंबर फ्री का मिल जाएगा, आर डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा, आर की वैल्यू है 6, एन कितना गुना कर रहे हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हमारा होगा 6 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फाइनली हमारा जो नया प्रतिरोध आया आर डैश वो आ गया, 6 × 4 से गुणा करेंगे 24 ओम, और यही हमारा आंसर होगा, हो गया, तो आपको कुछ भी दिया जाए, अगर 3 गुना किया जा रहा है एन के जगह पर 3 रख दो, आर की वैल्यू अगर आपको 20 दी गई 20 रख दो, फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण
30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या करोगे? चलिए बता देते हैं आपको ये भी। तो टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इसको भी आपको सॉल्व कराएंगे। देखो मैं जो बता रहा हूँ हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप टॉपर बनेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो असली उड़ान हमारी बाकी है, ठीक है। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ कराएंगे भी और करा भी रहे हैं। देखो किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, देखिए खा लिख देंगे ऐसे, आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल के लिखिएगा। देखिए अल्पतम विचलन कोण को हम डेल एम से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 30 डिग्री ऐसे रख देंगे। प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री, मतलब अपवर्तन कोण जो आपका होता है अब इसको आर से डिनोट करते हैं अपवर्तन कोण को, ये भी हमें दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसको निकालेंगे हम, क्या प्रॉब्लम है, हमें डेल सॉरी एन निकालना है, एन ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें आर दिया गया, इसकी सहायता से हम ए को निकाल लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए बाई टू, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम लोग पहले ए को निकाल लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू आपका होगा आर का 2 से गुणा होगा तो ये 2R होगा, ठीक है। ए इक्वल टू 2R हो गया आपका, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा A आ जाएगा, ठीक है। अपवर्तक कोण A इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 2 इंटू आर की वैल्यू ऊपर देखिए कितनी है, 30 डिग्री, 30 हो गया, यहाँ से हमारा A आ गया। ये क्या है, ये है प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो 30 का 2 से गुणा करेंगे 60 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी ए आया है, लेकिन हमें तो अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन इक्वल टू आपका होता है देखो साइन, इसीलिए मैंने ए निकाला था क्योंकि इस फॉर्मूले में ए का काम लगेगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। ए फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब साइन अपान साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है हमारा अपवर्तनांक का, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, मतलब प्रिज्म विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में। तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, कुछ है नहीं इसमें, साइन a की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो, a की वैल्यू है 60, अभी हमने निकाली है 60 हो गया, प्लस डेल m की वैल्यू कितनी है 30, ऊपर देखो ये 30 है, 30 रख देंगे यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, 30 डिग्री, ठीक है। अपान 2 हो गया और अपान साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने 60 निकाली है, 60 डिग्री, अपान 2 हो गया, सबको कट पिट कर देंगे, तो एन इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्टूडेंट साइन 60 और 30 को जोड़िए 90 डिग्री हो गया कि नहीं, अपान 2 हो गया और अपान इनको कट कर दीजिए 60 डिग्री, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 60 को जब 2 से कट करोगे साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइड में मैं कर देता हूं, देखिए यहां पे इसको भी कट करोगे 90 को 2 से तो 45 आएगा, तो ऊपर बचेगा साइन 45 डिग्री और नीचे बचेगा आपका साइन, थोड़ी यहां पे 30 लिख दीजिएगा, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इतना आ गया। अब वैल्यू रख दो भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप लोग, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1/√2 अपान साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखो 1 का सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे, ये हो जाएगा 2/√ का गुणा 1 से √2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/√2 को, देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, देखिए √2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 2 ही आएगा, किसी कोई चीज अंडर रूट में और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वही वर्ड वही आपका गिनती आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू हमारा आ गया फाइनली, n इक्वल टू √2 आया, ठीक है। अब √2 लिखिए या फिर इसकी एक वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, यही हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक जो हमें निकालना था, हमने निकाल दिया भाई। देखो हमें क्या निकालना था, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा वो 1.414 होगा, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए गा वाला, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो लिखो भैया,
ये गा लिखो परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, मतलब इसकी परिभाषा देखो, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, यानी कि AMU कहते हैं। इसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको इसकी वैल्यूज बतानी है, एक तो किलोग्राम में, एक MeV में। तो एक AMU की वैल्यू जो किलोग्राम में होती है वो होती है आपकी 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ठीक है, ये होती है एक AMU की वैल्यू, मतलब किलोग्राम में। अगर इसी को आप लोग MeV में व्यक्त करेंगे, एक AMU को, एक एटॉमिक मास यूनिट को MeV में, तो 931 MeV आएगा, ठीक है, ये आपका होता है। तो स्टूडेंट ये आपका MeV में हो जाएगा, एक AMU इक्वल टू 931 MeV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हम सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो आगे, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से नापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तो PN संधि डायोड आदर्श हो, ये आपको बताना है, मतलब ये आप न्यूमेरिकल लगाइएगा भाई अपनी तरफ से, ठीक है। खंड दा पे आते हैं, चौथे कक्का, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर वाले अब आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो विभव प्रवणता क्या होता है, ठीक है, और विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। खा देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपवाह वेग का परिभाषा मैं बता देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। जैसे चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें चालक में धारा बहेगी वो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगेंगे जो कि अपवाह वेग होगा। दोनों में संबंध क्या है, VD और धारा में, I इक्वल टू NE, ये VD होता है, जहाँ पे I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और VD है अपवाह वेग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यही संबंध होता है हमारा अपवाह वेग और धारा में। भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गा देखिए, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर, मतलब 3-3 नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय 18 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। घा देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। भाई फैराडे का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या फायदा यहाँ पे बताने का, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सर्च करो यूट्यूब पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, शुभम लेक्चरर पीछे लगा दोगे भाई वीडियो मिल जाएगा। अंगा, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी। 3 नंबर, पांचवा आ गया, अब 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन हो गया, पांचवा जो होगा ये भी 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन, फिर आ गया लघु उत्तरीय, यानी कि फिर लघु उत्तरीय आ गया। सोचो कितना नंबर का लघु उत्तरीय आता है। देखिए पांचवें का चुंबकत्व के परमाणुवे मॉडल की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर का ये आएगा भैया, और मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। देखो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। देखिए ये परमाणु है, इसमें एक नाभिक होता है धनावेशित, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, मतलब जो नाभिक होता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम कक्षीय परिक्रमण कहते हैं। तो ये चारों ओर तो घूमते ही, साथ में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जिसको चक्रण बोलते हैं। तो देखो कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी वो घूमते रहते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण अधिकांश भाग 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम होता है, मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण ये जो अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है, और 10% चुंबकीय आघूर्ण इस कक्षीय परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। मेरे कहने का मतलब है
जो परमाणु होते हैं, कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, परमाणु में नाभिक होंगे, धनावेशित नाभिक, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इसको कक्षीय परिक्रमण बोलेंगे। और चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ही, साथ में अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे डांस करेंगे, मतलब घूमेंगे, तो उसको हम चक्रण बोलेंगे, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण जो है वो ज़्यादातर चक्रण के कारण उत्पन्न होता है, 90%, 10% आपका कक्षीय परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। बस हो गया भाई, इतना लिख दोगे काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी, कल के लिए अच्छा है, ठीक है, हो गया। खा देखो, ऐसे देखो, ये भी 3 नंबर का, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LC और R श्रेणी क्रम में जुड़े इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्त के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारतीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिघात 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा LC एवं R के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 नंबर भाई, इतनी चीजें ज्ञात करोगे तब जाकर 3 नंबर मिलेगा। और प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता अथवा लगा है लो दूसरा करो। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। 3 नंबर, इसे ऐसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है? नहीं आघा देखिए, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए, मतलब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है उसके लिए शर्त लिखना। अंगा नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, 3 नंबर का आएगा भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि जरूरी है समझना। देखो मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, ये आपका कोई धातु है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो वही नियम लिखना है आपको थोड़ा सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए जाने वाले प्रयोगों के परीक्षण के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, देखो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुपात होती है। मतलब ये प्रकाश जितनी ज्यादा तेजी से गिरेगा यहाँ पे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके अनुपात होगा। फिर देखिए उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ऐसे नियम आपको लिख देना है भाई, इसको मैं डीपली आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसके बाद में चौथा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब अगर जो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है यानी कि न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। पाँचवा, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कि जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह से गिरेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लगेंगे। बस हो गया, खंड या में आते हैं। देखो नीचे हेडिंग है खंड या, ठीक है, तो खंड या में आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, मैं सबको हटाऊंगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को लाऊंगा, ठीक है, सबको हटा के मैं। 6 नंबर, स्थिर विद्युत की का गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जो है ये विस्तृत तरीय प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग तो अत्यंत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं पता अगर तो अथवा लगाए। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक नहीं पता दूसरा कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो मान लीजिए डेरिवेशन आपको नहीं आता तो दूसरा डेरिवेशन कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को करना है और दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए हैं, सर्च करो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय यानी कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है
हमारे डेरिवेशन की दृष्टि से, और सेकेंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जिसमें दो चार डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन, एक हो गया आपका, दोनों में से एक ही करना है। संयुक्त सूर्यदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। भैया किरण प्रकाश की चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है करो, ठीक है, नहीं तो अथवा लगा है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करो, पांच नंबर, दोनों में से एक कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो, मतलब 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, चार क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आठ क्वेश्चन रहेंगे, चार करना होगा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, पांच नंबर, नहीं पता तो इसको आप कर दीजिए, ठीक है। ऐसे नौवां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। देखिए ऐसा मत समझिएगा हमारा फिजिक्स का पेपर टफ है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, और फिजिक्स में पेपर कभी ईजी दे दिया जाता है, कभी टफ थोड़ा सा दे दिया जाता है, मतलब एग्जामिनर कैसा देता है उसके मूड के ऊपर, आपको अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए पता है तो कीजिए, नहीं तो दूसरा, पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्ट कारी के रूप में कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंगों को दर्शाइए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर जो आपका अर्धचालक है, ये दोनों क्वेश्चन उसी का है, तो अर्धचालक से एक विस्तृतरीय प्रश्न जरूर आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो पेपर है वो आज का जो फिजिक्स का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होगा, मतलब ऐसे पेपर आपका रहेगा, ऊपर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, आपको रोल नंबर डालना होगा, नीचे नाम, अपना नाम, ठीक है। 2024 रसायन विज्ञान, आपको यहाँ पे पेपर कोड दिया जाएगा जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3 आवर 15 मिनट्स, और पूर्णांक आपका मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का पूर्णांक आपका रहेगा। सबसे पहली चीज नोट आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है इसको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर दूसरा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, गणनात्मक का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे, कैलकुलेशन मतलब इसका होता है कि कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स को आपको लिखना है। तीसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, भैया ये केमिस्ट्री है इसमें आपको केमिकल रिएक्शन भी देना पड़ेगा जहां आवश्यक होगा। अब देखिए सबसे पहले जो है हमारा केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, भैया 4 ही विकल्प सब जगह दिए जाते हैं, ठीक है। का है किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, बताइए किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई समान होती है। फर्स्ट है शून्य, सेकंड है प्रथम, थर्ड है द्वितीय, फोर्थ है तृतीय। तो भैया शून्य कोट की जो अभिक्रिया होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई समान होती है। क्या होता है इसका मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही इसके वेग का भी मात्रक है और यही इसके वेग स्थिरांक का भी मात्रक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। खा देखो वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा, एक एक नंबर का रहेगा ध्यान दीजिएगा, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब वाष्प दाब में अवनमन इसमें से सबसे अधिक किसका होगा, फर्स्ट है 0.1 मोलर BaCl2, BaCl2 क्या है आप लोग कहेंगे, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। सेकंड है 0.1 मोलर ग्लूकोज, थर्ड है 0.2 मोलर यूरिया, और फोर्थ है 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। तो भैया इसमें से 0.1 मोलर BaCl2 का जो वाष्प दाब में अवनमन है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। गा देखो स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, जल्दी बताओ, जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से था, सेकंड जो है ये हमारे विलयन चैप्टर से है, थर्ड जो है ये जैव अणु चैप्टर से हमारे सेकंड केमिस्ट्री में। स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है,
फर्स्ट ऑप्शन राइट। घ देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है भाई, उसको सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। अंगा नंबर ओजोन है, ओजोन क्या है, एक आक्सीकारक है, एक अपचायक है, या आक्सीकारक व अपचायक दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, भैया ये आक्सीकारक भी अपचायक भी है, थर्ड वन इज राइट ऑप्शन, ठीक थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस N है एक, इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी, CH3 का होल थ्राइस N, इसको ट्राई मेथिल एमीन बोलेंगे। देखिए मेथिल कितना है, तीन, तो ट्राई मेथिल N है भैया एमीन, ठीक है। तो ये कैसा एमीन है, फर्स्ट है प्राथमिक एमीन, सेकंड है द्वितीयक एमीन, थर्ड है तृतीयक एमीन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो ये एक तृतीयक एमीन है, वैसे समझ लीजिए थ्राइस लगा है, तृतीयक एमीन ये होगा, ठीक। तो ये आपके छह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के डायरेक्टली छह नंबर आपको दे दिए जाएंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, आपको पढ़ के जाना है। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आपको जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी भी दिया गया 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। अब ये किस चैप्टर का है, गेस करो, ये हमारे विलयन चैप्टर का है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हमें जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, पेपर का सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखो, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, ठीक है, तो 3 ग्राम पदार्थ इसकी मात्रा विलयन में कम है, ये विलेय होगा, और 50 ग्राम जल है भाई, ये शुद्ध विलायक होगा, ठीक है। इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मतलब इस विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस दिया गया भैया, जल का क्वथनांक नहीं दिया गया, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन है उसका क्वथनांक। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, विलेय का भार हमें दिया गया, ये 3 ग्राम विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो लिखेंगे यहां पर विलेय का भार, विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट, किससे डिनोट करेंगे विलेय के भार को, स्मॉल डब्ल्यू से, क्योंकि विलेय के भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से ही लिखते हैं। ये हमें दिया गया 3 ग्राम, ध्यान से देखिए, ऊपर कर देता हूं मैं, पहले वैल्यू रख देते हैं 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया विलायक का भार 50 ग्राम, क्या दिया गया है, विलायक का भार, ये है कैपिटल W, इसको डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया 50 ग्राम, ब्लैक की जगह पर आप जल भी लिख सकते हैं क्योंकि जल है, ठीक है, तो जल लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हमें एक चीज और दी गई है सबसे नीचे, देखो केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें दिया गया 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, तो हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी भी दिया गया, इसको लिख दीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये हमें दिया गया 0.51, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, मोलल इनवर्स, देखिए इतना दिया गया है, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज बताइए, यहां पे आपको ये जो क्वथनांक दिया गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस, ये पूरे विलयन का दिया गया है, आपको पहले क्वथनांक का उन्नयन निकालना है डेल्टा टीबी, तभी आप अणुभार निकाल पाएंगे, ये आणविक द्रव्यमान का मतलब अणुभार जो स्मॉल एम होता है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, देखो यहां पे हमारा जल है और जल का क्वथनांक हमें पता है कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर लिखेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी कि जल का क्वथनांक, शुद्ध विलायक क्या है, जल, तो जल का क्वथनांक जो है वो कितना दिया गया भैया, इसको हम लोग नोट करते हैं T0 से डिनोट कर देते हैं, ये हमें दिया गया, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज उबलने लगे, जैसे जल उबलने लगे, ठीक है। फिर आप देखिए पूरे विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं भैया T से, ये हमें दिया गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखिए क्या दिया गया, ऊपर मैं दिखा देता हूं, ये देखो 100.51 डिग्री सेल्सियस, तो 100.51 डिग्री सेल्सियस हम रख देंगे। अब भैया अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन
इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी वी से, ये हमें निकालना है। तो देखो विलयन का क्वथनांक में से हमें शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाना होगा, यानी कि 100, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, फॉर्मूला क्या होगा टी माइनस टी जीरो, यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहां से हमारा डेल्टा टी बी आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना आया, टी की वैल्यू है 100.51 और टी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 केवल लिख देते हैं, डिग्री बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा डेल्टा टी बी आ गया भैया, ये क्वथनांक में उन्नयन आ गया, कितनी वृद्धि हुई 100.51 में से 100 जाएगा तो भैया 0.51 डिग्री सेल्सियस बचेगा, ये क्वथनांक में उन्नयन है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ये हमें निकालना है। तो निकालेंगे भाई कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको स्पेशली पहले अलग बता देता हूं, उसके बाद में हम उसी की सहायता से दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है हमारा 1000 इंटू के बी यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार अपान स्मॉल एम आणविक द्रव्यमान यानी कि भार इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए यहां पे भैया स्मॉल डब्ल्यू इसको रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा स्मॉल डब्ल्यू, यहां पे नीचे कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी तो हमें तो ये निकालना नहीं है डेल्टा टीबी, हमें तो एम निकालना है, तो क्या करना हमें भाई, इस डेल्टा टीबी के जगह पर एम को ले जाते हैं और यहां इसको इसके नीचे ले आते हैं, मतलब एम का जगह ये ले लेगा और इसका जगह एम ले लेगा, काम खत्म। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल कर आएगा यहां पे आणविक द्रव्यमान का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान हमें निकालना है भाई, तो m का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, हमने अभी बताया 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी, देखिए m उधर गया तो डेल्टा टीबी इधर आएगा, देखो यहां पे फॉर्मूले में ये m इधर गया तो डेल्टा टीबी यहां पे आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, बस फॉर्मूला आ गया भैया, इसी पर वैल्यूज को रख दीजिए, काम खत्म, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व चुटकियों में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, 1000 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको मैं रहने देता हूं। केबी की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो ये केबी की वैल्यू 0.51 दिया गया, लिख दो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, 0.51 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर देखो ये 3 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम है, ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया 3 ग्राम। डेल्टा टीबी अभी हमने निकाला है, ये आया है 0.51 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 0.51 लिख देंगे, इंटू कैपिटल डब्ल्यू है 50 ग्राम, इसको 50 लिख देंगे। देखिए 0.51 से 0.51 कैंसिल, दोनों सेम ही है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000 का 3 से गुणा कर दो, 3 का 1000 से गुणा भैया 3000 हो गया, अपान नीचे 50 से 50 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, ये 300 है, 5 है, तो इसको कट करेंगे 60 आ जाएगा। तो एम जो हमारा आया एम, ठीक है, वो कितना आ गया 60 ग्राम मोलल इनवर्स, मोलल इनवर्स, या 60 ग्राम प्रति मोलल भी लिख सकते हैं, मोलल इनवर्स लिखिए चाहे प्रति मोलल, बस यही आंसर हो गया, यही हमारा है अणु भार। तो यही निकालना था भैया, 2 नंबर के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फ्री में नंबर नहीं मिलते, केमिस्ट्री है ये, थोड़ा सा मेहनत। तो ये आपको सब कुछ दिया ही गया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, भाई हमारा आ गया 60 ग्राम मोलल इनवर्स, काम खत्म, यही हमें निकालना था। तो पेपर में हमारा अभी 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन इजी है, ऐसे सारे क्वेश्चन रहेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खा वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए स्टूडेंट खा वाला क्वेश्चन हमारा 298 केल्विन पर 0.2 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.2 साइमन 25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए, इसको भी कर देते हैं, देखो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो यहां पे m दिया गया है मोलरता 0.2, केसीएल विलयन की मोलरता 0.2 m दिया गया है, तो हम मोलरता लिख देंगे m 0.20 m, ये हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता जो आपने पढ़ा था, कप्पा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमें इतना दिया गया, तो यहाँ पे कप्पा भी दिए गए हैं भाई, फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, कप्पा कितना दिया गया 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो लिख देंगे 0.25 साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स, ये इतना दिया गया, हो गया काम। हमें निकालना क्या है भाई, मोलर चालकता निकालना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये लो। अब मोलर चालकता का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलर चालकता, ठीक है। देखिए मोलर चालकता का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम इक्वल टू होता है हमारा कप्पा इंटू, कप्पा इंटू 1000, इसको के मत समझिएगा, ठीक है, अपान कैपिटल एम। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोलर चालकता का, ठीक है। ये हमने लगा दिया, कोई एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब लैम्डा एम की वैल्यू हम लोग देखते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा की वैल्यू ऊपर देखो 0.25 है, लिख दो डायरेक्टली 0.25 इंटू 1000, तो आपका ऐसे रहेगा, कर दिया। एम की वैल्यू कितनी है 0.20, तो 0.20, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, एक काम देखो, ये 0.20 0.25 है, आप चाहे तो इसके दशमलव को डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, यहां से ऐसे, ये ऐसे कट हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा, देखो लैम्डा एम इक्वल टू बचेगा, ये 25 है, 25 का हजार से गुणा करेंगे तो 25000 हो जाएगा, 25000 अपान ये 20 हो जाएगा, 20 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2500 है, ये 2 है, तो इसको कट करो 2500 को 2 से, तो कितना आएगा 1200, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है हमारा, 1250 आ जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है। लैम्डा एम कितना आया 1250। अब भैया ये मोलर चालकता, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर के पावर 2 स्क्वायर, मतलब मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। यही आपका फॉर्मूला, यही आपको करना था, यही सॉल्व करना था। तो हमें क्या किया गया, देखो मोलरता दिया गया था, कप्पा दिया गया था, लैम्डा एम निकालना था, हमने मोलर चालकता का फॉर्मूला आपको बताया है, कप्पा इंटू 1000 अपान एम, कप्पा की वैल्यू 0.25, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 0.20 नीचे है, यहां पे हमने डिवाइड किया, 1250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपका आंसर आ गया। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, केमिस्ट्री है, टेंशन मत लेना। गा देखो, मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए, इसका एक छोटा सा रिएक्शन है, मैं बता देता हूं, मेसिटिलीन प्राप्त करने का एक रिएक्शन लिखना है। देखिए इसके लिए आपको एसीटोन लेना होगा, मतलब आपको सिर्फ रिएक्शन बताना है, ध्यान रखिएगा, एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन है, और इसका रिएक्शन आपको कराना होगा किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सांद्र H2SO4, ठीक है, इसका आश्वन कराएंगे, इसकी उपस्थिति में आश्वन कराएंगे। तो देखिए अभी हमारा रिएक्शन ये देखो, इस क्या बनेगा, यहां पे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका प्रोडक्ट, जो बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से, यहां पे CH3 लगा रहेगा, यहां पे भी CH3 लगा रहेगा, और यहां पे भी CH3 लगा रहेगा। आप लोग कहेंगे सर जी इधर तो सिर्फ 2 ही CH3 हैं, आपने यहां पे 3 कर दिया, तो क्या टेंशन है भाई, आगे 3 लगा दो, इसके आगे आप लोग लगा सकते हैं 3, ठीक है, ऐसे यहां पे 3 कर दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, अब ध्यान यहां पे आपको देना है, क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां से जब आप कार्बन कितने हैं, कार्बन आप गिनिए, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 3, 6, 3, 9 कार्बन है, यहां पे कितना है 1, 2, 3 कार्बन। लेकिन एक चीज और है, यहां पे C6H6 हमारे बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये सारे जो मेथिल ग्रुप हैं ये हमारे बेंजीन से लगे हुए हैं, ठीक है, तो 6 हमारे बेंजीन में होते हैं, तो 6 और 3, 9 यहां पे बड़े आसानी से, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है भैया, हाइड्रोजन कितना है, देखो कार्बन हमारा मैनेज हो गया, मतलब 6 बेंजीन का कार्बन हो गया और 3 कार्बन इसका हो गया, 9 कार्बन हो गया, इधर भी 9 कार्बन ही है, इस तरह से मैनेज कीजिएगा तभी हो पाएगा ये, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 का 3 से गुणा करो 9, और 9 ये 18 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। लेकिन बेंजीन में हमारा 6 हाइड्रोजन होता है, लेकिन 6 क्यों रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा, एक हटाकर ये और एक हटाकर ये, यानी कि 3 हमारा बेंजीन में बचा, और यहां पे 3, 3, 6, 3, 9 ऑलरेडी हैं, तो 9, 3, 12 हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 3H2O, 12 ये हो गया, और 6 यहां से ले लीजिए, देखिए 2 का 3 से गुणा होगा 6, 18, इधर भी 18, इधर भी 18, ठीक है, और ओ जो आपका था वो ओ यहां पर आ गया, बस ये रिएक्शन बैलेंस है भाई, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन इनका नाम है भैया, मेसिटिलीन जो आपको बनाना था, मेसी
टिलीन। भाई रिएक्शन तो याद रखना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेसिटिलीन बनाना है तो ये रिएक्शन आपको समझना होगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद घा वाला देखिए हमारा क्वेश्चन, मौलिस परीक्षण क्या है। देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन दो नंबर का ये मौलिस परीक्षण क्या है। तो मौलिस परीक्षण हमारे जैव अणु चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वीवो का ये जो है मौलिस परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। इसमें एक परख नली में आप लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। मतलब यही मौलिस परीक्षण है भाई, इसको मैं अलग से इसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा, दो दो नंबर का यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, 8 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, समपराशाली विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लिख दीजिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो उस समपराशाली विलयन कहते हैं। काम खत्म, 2 नंबर कंप्लीट, उदाहरण दे दीजिए। खा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, ये विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस चैप्टर से आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन यहां पे नहीं बताऊंगा। और आपको अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो भैया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है भैया, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई, ठीक है, ये आपको बताना है। घा, निर्नष्ट समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मैं कई बार बता चुका हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा, यहां पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 8 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। देखो संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। भाई ये डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। खा, एसिटाल्डिहाइड के 3 उपयोग लिखिए, एसिटाल्डिहाइड का यूज कहां होता है, 3 नंबर। गा, स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो, मेथिलेमीन तथा एनिलीन का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखो, 3 नंबर। स्मिट अभिक्रिया, जो भी नेम्ड रिएक्शन है, चाहे वो स्मिट अभिक्रिया हो, कार्बिलेमिन अभिक्रिया हो, कैनिजारो अभिक्रिया हो, एल्डोल संघनन हो, सारे रिएक्शन मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग सर्च करो क्लास 12 केमिस्ट्री फुल रिएक्शन इन 1 वीडियो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको देख लिया तो आपके सारे रिएक्शन का सफाया एक ही वीडियो में हो गया, ठीक है, हो जाएगा। तो उसको देखो क्या कर रहे हो, रिएक्शन पढ़ो। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं केमिस्ट्री में कमजोर हूं, आपकी कमजोरी यही है कि आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा, डीएनए के 2 रज्जुक समान नहीं होते अपित एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। तो ये आपके काका गाघा करके 3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय 12 नंबर। पांचवा क्वेश्चन देखो, अभी यहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, विस्तृत उत्तरीय में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पांचवा, अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए, 5 नंबर। भैया ये 5 नंबर वाले अब आ चुके हैं, सॉरी ये 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, अभी लघु उत्तरीय ही है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, किसी वो अभिकारक जिसका सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया होते समय अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मैंने इसको पढ़ाया है आपको, टॉपिक चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं लगवा चुका हूं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे बताइए, यहां पे फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला K=2.303/T(A)-X, वही फॉर्मूला लगेगा। न्यूमेरिकल आप सर्च करो, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, ये सारे न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं। अब आप लोग कहेंगे सर सॉल्यूशन नहीं दे रहे, जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसका सॉल्यूशन क्या करोगे। हाँ, जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। फर्स्ट, जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग। सेकंड, जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग। उपरोक्त प्रायोगिक प्रमाण को समझाइए, 4 नंबर। गा, उपसंयोजन यौगिक में प्रकाशिक समावयवता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, जैसे आपका NiCO4, K3Fe C2O4 का होल थ्राइस, इसका आपको ये देखिए उपसंयोजन यौगिक क्वेश्चन है, उससे भी 5-6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के। घा, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए, भाई 4 नंबर। एमिनो अम्ल क्या होता है, एमिनो अम्ल प्रोटीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, यहां पे भी काका काका करके 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले 16 नंबर इसके लिए भी आपको दे दिया जाएगा।
अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भाई, क्योंकि सबसे 20 नंबर के तो यही आते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय। याद रखिएगा केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिलाकर ही आपका ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। देखिए, फिनॉल का डाइएजोनियम लवणों तथा क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया तथा रेमर टेमन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए फिर आ गया नेम रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया रेमर टेमन अभिक्रिया, मैंने उसमें बता रखा है वीडियो में, जाकर देखो। ठीक है, फिनॉल का डाइएजोनियम लवण और क्यूमीन के साथ रिएक्शन भी मैंने आपको बताया, अथवा लगाए नहीं पता है तो ये वाला कर दीजिए, इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर एक नहीं पता दूसरा करो भाई। एल्कोहल के विरचन की दो विधियां लिखिए, विरचन का मतलब बनाने की दो विधियां लिखिए, तथा तीन रासायनिक गुणधर्म लिखिए एवं रासायनिक समीकरण भी दीजिए भाई। ये भी आपका दो नंबर सॉरी पांच नंबर का रहेगा, नहीं पता तो यहाँ पे आपका खा वाला, यानी कि अथवा लगा था, आप खा वाला देखते हैं। देखो क्या होता है जब, देखो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शंस आते हैं, इसको भी मैं बहुत सारे रिएक्शन आपको दे चुका हूं। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखो पांच नंबर। फर्स्ट है, एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, केवल केमिकल रिएक्शन। दूसरा, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग मिलन मिलाते हैं क्या बनेगा। थर्ड, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं क्या बनेगा, और एसीटाल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक उसमें मिलाते हैं। और पांचवा, एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं। भाई सिर्फ आपको रिएक्शन देना है इसमें और आपको पांच नंबर दिए जाएंगे, मतलब आपको अगर फॉर्मूला पता है बहुत आसानी से आप रिएक्शंस को कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। अथवा लगा है, नहीं पता तो कैसे प्राप्त करोगे वाला कर दो। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए पांच नंबर। फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, सेकेंड है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, थर्ड है एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड, और फोर्थ है एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, और फिफ्थ है बेंजोइक अम्ल से एम ब्रोम बेंजोइक। तो पांच में से पांचों आपको करना है, तो आप चाहे तो क्या होता है जब वाला कर सकते हैं, चाहे तो कैसे प्राप्त करोगे। सेवन नंबर क्वेश्चन, दस नंबर हमारा हो चुका है विस्तृत का, दस नंबर का और रहेगा। देखिए का प्रसिद्ध एल्कोहल का औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण कैसे किया जाता है, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए पांच नंबर। ऐसे खा है, हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन, इसी को कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगा है। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। चतुष्फलक और अष्टफलक उपसा संयोजन युग्मों के उदाहरण दीजिए पांच नंबर। ठीक है, तो ये आपका पूरे केमिस्ट्री का पेपर होगा ऐसे ही सेम टू सेम। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई कैसे किस प्रकार से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का जब आपको पेपर मिलेगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, अनुक्रमांक आपको डालना होगा, नाम, यहाँ पे पेपर कोड रहेगा। ठीक है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी कि 8 पृष्ठ में आपका पेपर होगा, 153 ऐसे लिखा रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। देखो यहाँ पे जीव विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, ये ओरिजिनल पेपर है, ऐसे ही आता है पेपर। ठीक है, अब देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, हम सबको पता है कितनी बार आप सुन चुके हैं। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है। थर्ड है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि जहां पर आपको फिगर बनाना हो भाई फिगर बनाइए, ये बायोलॉजी है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, ऐसे इंग्लिश में भी दिया गया, जो हमारे अंग्रेज बच्चे हैं वो यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पेपर पे चलते हैं भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं विथ आंसर आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, एनालाइज कीजिए कैसा पेपर आता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, बताइए इनमें से कौन है जो परागकण में पाए जाते हैं। तो देखिए दो नर युग्मक आपके परागकण में पाए जाते हैं, आपको पता है परागकण जो है ये पुष्प में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, और परागकण में दो नर युग्मक होते हैं, मैंने आपको जब बताया था दोहरा निषेचन, तो परागकण के दो नर युग्मक गए थे भ्रूण कोश की सहायता से, वो जाकर मिले थे, ठीक है, अंडकोशिका से, मतलब ध्रुवीय केंद्रक से और अंडकोशिका से। ठीक है,
मैंने बताया था। तो दो नर युग्मक पाए जाते हैं। खा है, एक पराग कोष में पराग धानियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो पराग कोष होता है उसमें कितनी पराग धानियां होती हैं। ए है चार, बी है दो, सी है एक, डी है आठ। भैया चार पराग धानियां होती हैं एक पराग कोष में। आपको हिंदी में भी दिया रहेगा, साइड में इंग्लिश में भी पेपर आपका दिया रहेगा, इस साइड में आप देख सकते हैं। देखो इंग्लिश में भी वही चीज दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गा वाला, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। अगर आपको जौ के 200 दाने बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। देखिए 100 दाने बनाने हैं तो आपको 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो अगर 200 बनाने हैं भैया तो 125 का दो गुना कर दो, 250 आ जाएगा, यानी कि 250, 250। घा देखो, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सी त्रुटि है, कौन सा रोग है जो जन्मजात उपापचयी रोग है। ए है फिनाइल कीटोन्यूरिया, बी है वर्णांधता, सी है हीमोफिलिया, डी है अरक्तता। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये जन्मजात उपापचयी रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भाई पेज पलटना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना, जैसे आपको आगे बढ़ना तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, नाम तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बठा होते हैं। देखो ध्यान से समझो, डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो का है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जो टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करते हैं, एक नंबर मिलेगा। एक लाइन में आंसर दीजिए। देखिए का, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, खा देखिए, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो लिख दीजिए ऐसे सीधा सीधा, जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है जिसे आरंभी केंद्रक कहते हैं। विद सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बस फुल सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, धीरे धीरे करके हम सबको कवर करेंगे। ठीक है, गा देखिए, मानसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। बताइए मानसल फल क्या होता है, जैसे आपका आम है उसका एक छोटा सा चित्र बना देना, काम खत्म, एक नंबर में और क्या लोगे। ठीक है, गा देखिए, पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, मतलब पर परागण से लाभ क्या है। देखिए मैंने आपको परागण पढ़ाया, लेकिन पर परागण जो है परागण का ही प्रकार है, तो इससे लाभ क्या होता है। देखो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। दूसरा, अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, पर परागण के द्वारा अनेक नई प्रजातियों की भी उत्पत्ति होती है, और जो पर परागण के द्वारा जो पुष्प बनते हैं वो फल बनने वाले जो फल हैं वो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, और इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, व्हाट इज हॉटस्पॉट तप्त स्थल। देखो तप्त स्थल क्या होता है, एक एक नंबर में छोटा छोटा लिखना है, वन लाइनर क्वेश्चन। वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है, यानी कि जहां पर जैव विविधता संकट में होती है उस स्थल को हम तप्त स्थल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे एग्जांपल, हिमालय, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं, यानी कि भारत में हमारे हिमालय, पूर्वी हिमालय जो है, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट, ये भारत में स्थित तप्त स्थल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर में इतना ही मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो दो दो नंबर के रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको भी कवर करेंगे भाई, सबको हम कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सबका आंसर बताएंगे, बस आप लोग सपोर्ट बना रखे। देखिए तीसरे का, पराग कोष के पराग कण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पराग कोष में जो पराग कण होते हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए वो जो है टैपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था टैपिटम जो है ये पराग कोष की सबसे आंतरिक परत होती है जो पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। पोषण का मतलब भोजन, ठीक है, कोई आपका पालन पोषण कर रहा है, यानी कि आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहा है जिसमें आपको भोजन भी मिल रहा है। खा देखो, एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी कीजिए, दो नंबर ऐसे लिख दीजिए। भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों यानी कि रोग का पता लगाने की विधि को एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। एमनियोसिंथेसिस को हम हिंदी में उल्ब भेदन कहते हैं, और ये टॉपिक मैंने आपको डीपली पढ़ा रखा है जब मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब भ्रूण के लिंग, भ्रूण
मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसके लिंग, भ्रूण के जन्मजात विकार यानी कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, उसका पता लगाने की विधि जो होती है उसी को एमनियोसिंटेसिस बोलते हैं, उल्ब भेदन। और ये हमारे इंडिया में बैंड है क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको क्यों लागू किया गया था? ताकि लोग अपने बच्चों में कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, उसको पता लगा सकें। लेकिन इसका जो है यूज उल्टा हो रहा है, लोग मेल या फीमेल का पता लगाने में इसका यूज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसीलिए इसको बैन किया गया। गाय देखिए, असली ट्रू फल तथा नकली फाल्स फल में अंतर लिखिए, मतलब असली फल और नकली फल में अंतर लिखिए भाई, ये ट्रू फाल्स है, ठीक है। देखो, असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं, असली फल जो होंगे वो अंडाशय से बनेंगे, जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भाग से भी बनते हैं। असली फल जैसे आपका आम, बादाम, ये सब अंडाशय से बनते हैं भाई, असली फल है। नकली फल में टमाटर, अमरूद, ये अंडाशय से नहीं और भी कई प्रकार से बनते हैं, तो ये आपका नकली फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घा वाला, असंग जननता एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए, दो नंबर। देखो क्या है असंग जनन, मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूं। देखो, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, मतलब कभी कभी होता है कि पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मतलब बिना युग्मक संलयन के, बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही पौधे का निर्माण जो होता है, इसी प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब बिना युग्मक संलयन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही पौधे का निर्माण हो जाए, इसी प्रक्रिया को हम असंग जनन बोलते हैं। आगे देखिए, इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे इतना बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा लिखना, कायिक जनन, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना आलू। गन्ना और आलू को आप देखते होंगे इसमें बीज नहीं बोया जाता, मतलब जो पेड़ होता है उसी के उसी में जो है छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसकी सहायता से वो पौधे जन्म लेते हैं, और इसे एक बीजता भी है। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। बस आप इतना याद रखिएगा कि बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ना तो युग्मक संलयन होगा, इस प्रक्रिया को हम असंग जनन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए, बहुभ्रूणता क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए, नाम से स्पष्ट है बहुभ्रूणता, इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई क्या है, नाम से स्पष्ट है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता को। तो देखो, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब एक ही बीजांड या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, मतलब अनावृत बीजी पौधे जो है उनमें यह सामान्य घटना है, कॉमन घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुईवेनहॉक ने सन 1971 में संतरे के बीज में की थी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लुईवेनहॉक ने की सन 1791 में, वो भी संतरे के बीजों में की थी, क्योंकि संतरे के बीज में आप देखेंगे बहुभ्रूणता दिखाई देता है, क्योंकि एक ही बीजांड में या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होता है, उसमें संतरे में कितने बीज होते हैं। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बस ये आपका है बहुभ्रूणता, मतलब एक बीजांड या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आपके साथ, हम हैं तो क्या गम है। अभी सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है, अब ये तीन तीन नंबर का रहेगा। देखो, मनुष्य के शुक्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो हमारे अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, मेल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, उसका चित्र बनाना है।
अब भाई यहाँ पे चित्र हम बनाएंगे नहीं, आपको बुक से देखकर अच्छे से बना लेना, उसका आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेना है। जैसे इसमें कुछ चित्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राग कोश की संरचना, मनुष्य के शुक्राणु का चित्र, स्त्री जनन तंत्र का चित्र, पुरुष जनन तंत्र का चित्र, ये सारी चीजें आप बना लीजिएगा क्योंकि ये फिगर्स आते हैं। खा देखिए, युवा पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाइए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब जो युवा पराग कोश परिपक्व पराग कोश है उसके अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र आपको बनाना है। गा देखिए, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मतलब लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लाऊंगा, इसका ही नहीं मैं पूरे बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। गा देखिए, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए लघु उत्तरीय में। अब चौथा क्वेश्चन जो है ये भी आपका 3-3 नंबर का ही है और ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। बायोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आपको एक विवरण देना। देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, सबका हम डीएनए फिंगर प्रिंट के द्वारा सब कुछ पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई बेटा अपने पिता से खो गया हो, 10-15 साल बाद मिला हो, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि ये इसका बेटा है या इसके पिता है या नहीं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा क्योंकि साइंस बहुत आगे जा चुका है। ये सब टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और क्या हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। गा देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उठा लीजिए बुक, चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को ढूंढ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, 70-80 टॉपिक मैंने बताया था, उसको पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर पास होना है तो टॉपर बनना तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नहीं छोड़ना है। से घा देखिए, जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहां पे भी काका गगा करके 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, का जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। जैव विविधता के घटक कौन कौन से हैं और इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर, ठीक है। खा देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मनुष्य में आनुवंशिक विकार, मनुष्य में जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांता, ऐसे ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, जो आनुवंशिक रूप से हमारे जनकों के द्वारा हमें दिए जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं, वही आनुवंशिक रोग होते हैं भाई, ठीक है, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। दूसरा सेंट्रल डोगमा, इस पर टिप्पणी करना है। गा देखिए, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका लिखिए। जैव उर्वरक क्या है, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका क्या है, ये आपको लिखना है। आगे देखिए, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 3 नंबर मिलेगा। 3 टॉपिक हैं जैसे रेड डाटा बुक, परजीविता, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहनी पौधों की भूमिका, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है जिस पर आपको आता हो। जैसे अगर आपको रेड डाटा बुक पर आता है आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, इसमें कुछ करना आपको है नहीं, ठीक है। इस पे आता है तो इस पे लिख सकते हैं, जो आपको आता है आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विस्तृत उत्तरीय में अब हम लोग आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखो, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनत से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करो, 5 नंबर भैया। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अथवा लगा रहेगा, मतलब गुरु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है, जो आपके पौधों में जो मेल्स का मेल गैमेट का जो निर्माण होता है गुरु बीजाणु जनन के द्वारा, वो क्या होता है ये आपको बताना, अथवा लगा है। महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, महिला का जो प्रजनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाइए, भैया आपको नंबर दे दिया जाएगा। दोनों में से जो आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको कि कुछ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र और महिलाओं का प्रजनन तंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, द्वि निषेचन, वाहित मल उपचार, न्यूमोनिया की रोकथाम, 2 तीनों में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखना भाई। द्वि निषेचन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं तो उनमें 2 नर युग्मक जाते हैं कहां, पराग नली की सहायता से अंडाशय, ओ सॉरी
भ्रूण कोश में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो एक जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका से मिलता है, ठीक है, और एक नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। यहाँ पे दो बार संलयन हुआ है, दो बार निषेचन हुआ है, इसीलिए इस प्रक्रिया को ही हम द्वि निषेचन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग सर्च कर लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। क्यों नहीं देखते हो, गलती आपकी है, सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ और अभी तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, नहीं पता तो अथवा लगा है, निम्नलिखित फलों में अंतर लिखिए, पांच नंबर, फली तथा लोमेंटम, या फिर दूसरा अष्टिफल तथा भिदुर फल। भाई इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नाइन नंबर, देखो ये क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हाउ टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु, कैसे निषेचन होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर है, इसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों में, दोनों को आपको बताना है, ठीक है। ये पांच नंबर ढाई ढाई नंबर का रहेगा, मतलब इसमें टिप्पणी लिखने को काफी ज्यादा आता है, टिप्पणी आपको लिखना आना चाहिए। पेपर्स आपने देख लिया कैसा पेपर आता है, कितना परसेंट आपको पता है, कमेंट कर दीजिएगा। अभी अथवा लगाए नहीं पता तो ये कीजिए, आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए, व्हाट इज जेनेटिकल कूट, आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, इस पर आपको एक निबंध लिखना, मतलब बहुत बड़ा निबंध, पांच छह सात पेज का नहीं, छोटा सा दो तीन पेज का लिख दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जैसे टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना है, मतलब आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहीं पर हमारा पेपर ये फिनिश होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की जो ये हमारी क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगी। मैंने आपको इस क्लास में क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट के वायरल पेपर को सॉल्व कराया, ठीक है, मैंने सारे सॉल्यूशन दिए और आगे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारा देता रहूंगा। जो सॉल्यूशन मैंने इसमें नहीं दिया है उसको भी मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा, बहुत सारे टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा सर्च करके आप लोग पीछे शुभम लेक्चर लगाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।